Hello students, welcome to the next lecture of electrolytic conduction. Electrolytic conduction electrolyte conducting power दिखाता है. Electrolyte electric conductor होता है. कब, क्या तो molten state में, गलित state में उसको गला दिया जाए या फिर aqueous solution की form में. इस chapter में हम लोग aqueous solution of electrolyte electrolytic solution के aqueous solution की बात कर रहे हैं, उसकी कंडक्टिंग पावर देख रहे हैं. देखो भाई, जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट है एसिटिक एसिड, उसके 10 मोल एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, 2 मोल एसीटेट आयन और एच आयन में टूटे हुए हैं और 8 मोल अभी भी एसिटिक एसिड की फॉर्म में है. व्हाट आई मीन टू से, अगर आपका CH3COH का एक्वस सॉल्यूशन है CH3CO नेगेटिव आयन एंड एक्वस एक्वस एंड एक्वस, स्टार्टिंग में इसके 10 मोल हैं, जब इक्विलिब्रियम है तो इसके 8 मोल है, इसके 2 और 2 मोल है, दैट इज 10 माइनस 2 मोल्स. तो कंडक्टिंग पावर ऑफ सॉल्यूशन 10 मोल ऑफ एसिटिक एसिड की वजह से होगा या 2 मोल ऑफ एसिटिक एसिड की वजह से होगा कंडक्टिंग पावर ऑफ सॉल्यूशन, या फिर 8 मोल एसिटिक एसिड की वजह से होगा. स्टार्टिंग में 10 मोल एसिटिक एसिड के रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर में ऐड किए टू फॉर्म सॉल्यूशन, अब 2 मोल आयंस में टूट गए और 8 मोल अभी बच गए, 10 माइनस 2 मोल बच गए. तो 2 मोल आयन दे रहे हैं, चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में आयन्स होते हैं, चार्ज कैरियर्स आर आयन्स. तो 2 मोल है वो कंडक्टिंग पावर ऑफ सॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ना कि 10 मोल होंगे. 2 मोल होंगे वो कंडक्टिंग पावर ऑफ सॉल्यूशन के लिए अवेलेबल होंगे, ना कि 10 मोल होंगे. 8 मोल कंडक्टिंग पावर ऑफ सॉल्यूशन के लिए अवेलेबल नहीं है, जो कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में है. ये मॉलिक्यूल है, ये आयंस है, ये डिसोसिएटेड फॉर्म ऑफ एसिटिक एसिड है, ये अनआयनाइज्ड फॉर्म, वो आयनाइज्ड फॉर्म. 2 मोल आयनाइज्ड फॉर्म में है, एसीटेट आयन एच आयन की फॉर्म में एसिटिक एसिड के, और 8 मोल अनआयनाइज्ड फॉर्म में. तो जो आयनाइज्ड फॉर्म में रहते हैं वही कंडक्टिंग पावर ऑफ सॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. जितने ज्यादा आयन होंगे उतने ज्यादा चार्ज कैरियर्स होंगे, उतने ही ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा पर यूनिट टाइम, तो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक करंट होगा, उतनी ज्यादा कंडक्टिंग पावर होगी. दोस्तों, कंडक्टिंग पावर ऑफ सॉल्यूशन 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है. फर्स्ट, नंबर ऑफ आयंस. हम लोग जानते हैं कंडक्टिंग पावर ऑफ सॉल्यूशन बढ़ेगा जैसे जैसे नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे. यहाँ 2 मोल की बजाय 3 मोल आयन में टूट जाए तो 3 मोल एसिटेट आयन और 3 मोल एच पॉजिटिव आयन होंगे, हेंस कंडक्टिंग पावर ऑफ सॉल्यूशन और ज्यादा होगी. यहाँ पे अल्फा कितना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और फ्रैक्शन डिसोसिएटेड ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिटिक एसिड, कितने मोल डिसोसिएटेड है डिवाइड बाई इनिशियल मोल कितने थे. तो अल्फा की वैल्यू एसिटिक एसिड की इक्विलिब्रियम पे 0.2 हो गई. जब 10 में से 3 मोल डिसोसिएट हो जाएंगे, 3 और 3 मोल हो जाएंगे, फॉर एग्जांपल किसी नई कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, तो 3/10 अल्फा की वैल्यू 0.3 हो जाएगी. क्योंकि अल्फा डाइल्यूशन करने पर वीक इलेक्ट्रोलाइट का बढ़ता चला जाता है, वीक एसिड वीक बेस वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डाइल्यूशन करने पर बढ़ता चला जाता है, तो नंबर ऑफ आयंस भी, ज्यादा नंबर ऑफ आयंस अवेलेबल होते चले जाते हैं. ये सब नो, मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन की बात नहीं कर रहा, मैं नंबर ऑफ आयन्स की बात कर रहा हूँ. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी आ जाता है उसमें, डाइल्यूशन कर रहे हैं. ओके, जैसे जैसे जितने ज्यादा चार्ज कैरियर होंगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयन्स होंगे, उतनी ज्यादा कंडक्टिंग पावर. अब ये आयन्स की बात करें, मैं ले लूँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट HCl एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिटिक एसिड. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा हम 1 लेके चलते हैं, 100% डिसोसिएटेड लेके चलते हैं. तो 10 मोल HCl लिया, चाहे कितना भी डाइल्यूशन करो या कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन रखो, हम पूरी केमिस्ट्री में ये कंसीडर करके चलते हैं कि अल्फा ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज 1, यानी कि 10 मोल HCl के लिए, तो चाहे HCl की कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी हो, C1, C2, C3 अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl का सॉल्यूशन है,
तो पर हर बार अल्फा ऑफ HCl 1 लेंगे, यानी कि 10 मोल HCl दिए तो 10 मोल H आयन और 10 मोल Cl नेगेटिव आयन देगा, यानी कि डाइल्यूशन करने पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज नहीं होते हैं, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज नहीं होते हैं, क्योंकि हरदम हम अज्यूम करके चलते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट टू बी 1। चाहे प्रैक्टिकली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में 1 नहीं हो, बट थ्योरेटिकली हम हरदम अज्यूम करके चलते हैं और उसी हिसाब से हमें क्वेश्चंस का आंसर देना है। वीक इलेक्ट्रोलाइट, जैसे जैसे आप जानते हो वीक एसिड का सी अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा, यहाँ पे अल्फा को नेग्लिजिबल मान ले तो अल्फा इज इक्वल टू वीक एसिड का के ए बाय सी, हेंस अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। तो जैसे जैसे डाइल्यूशन करेंगे कॉन्सेंट्रेशन घटेगी और अल्फा बढ़ेगा, तो इसलिए हम बोलते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऑन डाइल्यूशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट वीक एसिड वीक बेस इंक्रीजेस। तो जैसे जैसे अल्फा बढ़ेगा तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो कंडक्टिंग पावर ऑफ सॉल्यूशन बढ़ेगी। ओके, तो नंबर ऑफ आयंस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयंस उतने ही रहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन की बात नहीं कर रहा। दूसरा, वीक इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं, तो पहला जो मेजर फैक्टर है वो नंबर ऑफ आयंस है। सेकेंड, जो कम इफेक्टिव है, कम कंट्रीब्यूशन है कंडक्टिंग पावर ऑफ सॉल्यूशन में, वो है आयनिक मोबिलिटी। आयंस कितने फ्रीली मूव कर रहे हैं, जब कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा, जैसे NaCl का कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो Na पॉजिटिव आयन Cl नेगेटिव आयन बहुत सारे हैं कम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, तो एक दूसरे से पॉजिटिव नेगेटिव आयन अट्रैक्ट करेंगे तो उसको बोलते हैं को आयन इंट्रैक्शन। Na पॉजिटिव का को आयन Cl नेगेटिव आयन है और Cl नेगेटिव का को आयन Na पॉजिटिव आयन है, तो को आयन इंट्रैक्शन से जैसे आयन एक दूसरे के साथ अट्रैक्टेड रहेंगे तो हम बोलेंगे मोबिलिटी कम है। जैसे जैसे डाइल्यूशन करेंगे तो आयंस इंडिपेंडेंटली वाइब्रेट करने लगेंगे एक दूसरे की प्रेजेंस को बिना अफेक्ट किए। सो एज डाइल्यूशन इंक्रीजेस आयनिक मोबिलिटी इंक्रीजेस, फ्री मूवमेंट ऑफ आयंस इंक्रीजेस। आयनिक मोबिलिटी को हम एग्जैक्टली डिफाइन करेंगे लेटर ऑन एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, उसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है वी विल सी, बट फिलहाल आयनिक मोबिलिटी का फिजिकल सिग्निफिकेंस मैंने बताया कि फ्री मूवमेंट ऑफ आयंस, जितने ज्यादा फ्रीली मोबाइल होंगे उतनी ज्यादा आयनिक मोबिलिटी होगी। तो आयनिक मोबिलिटी डाइल्यूशन करने पर बढ़ती है, आयनिक मोबिलिटी डाइल्यूशन करने पर बढ़ती है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का अगर डाइल्यूशन करें तो नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ते हैं और आयनिक मोबिलिटी, तो आयंस दूर दूर जाएंगे तो इंडिपेंडेंट माइग्रेशन करेंगे और आयनिक मोबिलिटी तो बढ़ने वाली है जो भी आयन होंगे। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए फर्स्ट फैक्टर नंबर ऑफ आयन भी बढ़ते हैं और सेकंड फैक्टर मोबिलिटी ऑफ आयन भी बढ़ती है, दोनों फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है कंडक्टिविटी। आयनिक मोबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा कंडक्टिंग पावर ऑफ सॉल्यूशन होगा, आयनिक मोबिलिटी ज्यादा कंडक्टिंग पावर ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा, नंबर ऑफ आयन ज्यादा कंडक्टिंग पावर ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा, ये ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर, ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट इसका होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयंस उतने ही रहते हैं क्योंकि अल्फा हरदम हम 1 लेकर चलते हैं गिवन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और सॉल्यूट के लिए इन सॉल्यूशन। जैसे जैसे डाइल्यूशन करेंगे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ये फिक्स रहेगा, प्रैक्टिकली रहे नहीं है थ्योरेटिकली ये फिक्स लेके चलेंगे, आयनिक मोबिलिटी बढ़ेगी तो कंडक्टिंग पावर ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन मेनली इंक्रीजेस ड्यू टू आयनिक मोबिलिटी सेकेंड फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं है। बट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट WE मींस वीक इलेक्ट्रोलाइट, SE मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ते हैं और आयनिक मोबिलिटी भी डाइल्यूशन करने पर बढ़ती है, तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है कंडक्टिंग पावर ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को इंक्रीज करने के लिए। तो कंक्लूजन इज ऑन डाइल्यूशन डाइल्यूशन अगर हम कर रहे हैं अल्फा ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस एंड आयनिक मोबिलिटी इंक्रीजेस।
दोनों फैक्टर, अल्फा बढ़ेगा तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए नंबर ऑफ आयंस, आयनिक मोबिलिटी दोनों फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है. कंडक्टिंग पावर ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन ड्यू टू बोथ द फैक्टर्स. बट फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अल्फा इज वन एंड इट इज थ्रू आउट कॉन्स्टेंट, तो अल्फा तो उतना ही है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, लेकिन आयनिक मोबिलिटी ऑफ आयंस जरूर बढ़ेगी. जैसे डाइल्यूशन करेंगे NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो Na पॉजिटिव आयन Cl नेगेटिव आयन एक दूसरे से इंटरेक्ट कम करेंगे क्योंकि दूर दूर हो गए, और दूर दूर हो गए तो फ्रीली मूव करेंगे, आयनिक मोबिलिटी बढ़ेगी. तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए सेकंड वाला, तो डाइल्यूशन करने पर कंडक्टिंग पावर ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसकी वजह से बढ़ा, मेनली ड्यू टू इंक्रीज इन आयनिक मोबिलिटी. कंडक्टिंग पावर ऑन डाइल्यूशन, कंडक्टिंग पावर ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्यों इंक्रीज हुआ, ड्यू टू बोथ द फैक्टर्स, नंबर ऑफ आयंस और अल्फा इंक्रीजेस एज वेल एज कोआयन इंटरेक्शन डिक्रीजेस, सो आयनिक मोबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेस. बोथ फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट. अब हम बात कर रहे हैं बच्चों इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन, ये सारी टर्म्स हम लोग पढ़ चुके हैं इन फर्स्ट लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन. वी हैव स्टडीड ऑल दिस, वी हैव स्टडीड ऑल दिस. तो डाइल्यूशन जैसे जैसे हम लोग करेंगे, जैसे जैसे डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, डाइल्यूशन का मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम करना नहीं होता, डाइल्यूशन का मतलब एडिशन ऑफ सॉल्वेंट होता है. हाँ, सॉल्वेंट ऐड होता है उसके रिजल्ट से कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, नो डाउट अबाउट इट, पर कॉन्सेंट्रेशन और भी बहुत सारे तरीके से कम हो सकती है, डाइल्यूशन एक तरीका है. तो डाइल्यूशन मतलब एडिशन ऑफ सॉल्वेंट. तो जैसे जैसे डाइल्यूशन करेंगे, सॉल्वेंट ऐड करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, कंडक्टेंस आपकी बढ़ेगी, कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी घटेगी, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बढ़ेगी, सेल कॉन्स्टेंट नो इफेक्ट ऑन सेल कॉन्स्टेंट, कंडक्टेंस अगर बढ़ेगी तो रेसिस्टेंस ऑटोमेटिकली घटेगी, कंडक्टिविटी आपकी घटेगी तो रेसिस्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल है. ऑल दैट. अब एक एक चीज हम लोग समझते हैं बारी 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 बारी. कंडक्टिविटी क्या होती है, यूनिट वॉल्यूम या एक सेंटीमीटर क्यूब या यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जो कंडक्टिंग पावर है उसे हम कंडक्टिविटी बोलते हैं. कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जनरली 1 ml हम लोग लेके चलते हैं, इज कंडक्टिविटी. ठीक है, ओके. सबसे पहले हम सेकेंड वाला फैक्टर डिस्कस कर लेते हैं. पहले हम लोग देख चुके हैं कि कापा कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, implies specific conductivity is inversely proportional to dilution. Concentration बढ़ेगी तो कापा बढ़ेगा, तो dilution होगा तो concentration, dilution ज्यादा होगा तो concentration घटेगी, तो as dilution is there concentration घटेगी, और concentration घटेगी तो conductance, तो dilution करने पर आपकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी बढ़ती है, यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डाइल्यूशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होनी ही होनी है. क्यों? क्योंकि डाइल्यूशन करने पर कॉन्सेंट्रेशन कम होती है तो कापा भी कम होगी. सेकेंड वाला फैक्टर, अब इसका बाई डेफिनेशन मतलब समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है. मैं ले लेता हूं पर यूनिट वॉल्यूम सॉल्यूशन है हमारा, रीजन क्या है इसका, कापा की डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा. यूनिट वॉल्यूम सॉल्यूशन एक 0.1 मोलर केसीएल सॉल्यूशन है, दूसरा 0.01 मोलर केसीएल सॉल्यूशन है. मैं 1 लीटर सॉल्यूशन ले लेता हूं, इधर वॉल्यूम 1 लीटर ले लेता हूं, और इधर भी मैं वॉल्यूम 1 लीटर ले लेता हूं. क्यों? क्योंकि कापा के लिए यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में जो भी इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंडक्टेंस को ही स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी बोलते हैं. यूनिट वॉल्यूम इसकी डेफिनेशन में है, 1 ml 1 m³ 1 cm³ 1 unit वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंडक्टिंग पावर को, उसकी कंडक्टेंस को हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं एज पर इट्स. तो यूनिट वॉल्यूम ले लिया मैंने, 1 लीटर या 1 ml या 1 m³ यूनिट वॉल्यूम ले लो, दोनों जगह सेम वॉल्यूम ले लिया, तो इसमें 0.1 मोलर केसीएल सॉल्यूशन मतलब
0.1 मोल पर लीटर, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 0.1 मोल KCl के हैं। अगर 0.1 मोल KCl के हैं तो 0.1 मोल ही K पॉजिटिव के होंगे, 0.1 मोल ही Cl नेगेटिव के होंगे, क्योंकि ये सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएटेड मानते हैं। तो इसमें 0.1 मोल एंड 0.1 मोल 1 लीटर सॉल्यूशन में K पॉजिटिव भी होंगे और Cl नेगेटिव भी होंगे फर्स्ट वाले। लेट अस टॉक अबाउट सेकंड। 0.01 मोल पर लीटर मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में 0.01 मोल KCl के होंगे, यानी कि 0.01 मोल K पॉजिटिव के होंगे और 0.01 मोल Cl नेगेटिव के होंगे। आप देख सकते हो यहां से यहां कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, तो आयन की संख्या भी यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में बढ़ रही है। यहां 0.01 मोल K पॉजिटिव, यहां पे 0.1, 10 टाइम्स है। यहाँ 0.01 मोल Cl नेगेटिव, तो Cl नेगेटिव भी 10 टाइम्स हो गया, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन आपने 10 टाइम्स की, तो नंबर ऑफ आयंस भी पर यूनिट वॉल्यूम 10 टाइम्स हो गए, और नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम 10 टाइम्स हो गए। मैं पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे यूनिट वॉल्यूम देते हैं। तो हर तरह का आयन अगर 10 टाइम्स हो गया तो कंडक्टिंग पावर ऑफ सॉल्यूशन, कंडक्टेंस भी 10 टाइम हो जाएगा। इसलिए यहां से यहां कॉन्सेंट्रेशन है, इसलिए हम बोलते हैं पर यूनिट वॉल्यूम की जो कंडक्टेंस है उसको हम कापा बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। एज पर इट्स डेफिनेट यूनिट वॉल्यूम में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ते हैं, और नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं तो कंडक्टिंग पावर ऑफ सॉल्यूशन भी बढ़ेगी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन। तो जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ाओगे, जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ाओगे आप, वैसे वैसे कापा घटेगी फ्रॉम इट्स डेफिनेशन, आप लोगों ने देख लिया। ओके, अगर कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो इसका रेसिप्रोकल रेसिस्टिविटी होता है और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, ये अगर घटती है डाइल्यूशन करने पर तो ये ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, एंड वैसे वैसा अगर हम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो उल्टा हो जाएगा। तो सेवंथ एंड फर्स्ट आर वेरी मच कोरिलेटेड, इसको मैं रब कर देता हूं। अब मैं बात करता हूं कंडक्टेंस, चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, ये मैंने जनरलाइज सभी के लिए लिखा है। डाइल्यूशन करने पर कंडक्टिंग पावर बढ़ती है, पर कंडक्टिंग पावर पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी घटती है डाइल्यूशन करने, चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो। स्ट्रॉन्ग या वीक कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो कंडक्टेंस बढ़ेगी, रीजन इज वेरी सिंपल, जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करेंगे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ेंगे और मोबिलिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम नहीं देखना, तो क्या हो जाएगा, डाइल्यूशन किया आपने वॉल्यूम बढ़ाया तो अब उसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयंस एंड आयनिक मोबिलिटी दोनों बढ़ेंगे तो कंडक्टेंस बढ़ती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन किया तो उसके सॉल्यूशन का डाइल्यूशन किया तो नंबर ऑफ आयंस तो नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि डाइल्यूशन करना मतलब सॉल्वेंट ऐड किया है, इलेक्ट्रोलाइट तो उतना ही है तो आयंस तो उतने ही है उसके, क्योंकि अल्फा वन तब भी था, अल्फा वन डाइल्यूशन करने के बाद अब भी है क्योंकि अल्फा इज कंसीडर्ड टू बी कांस्टेंट फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट थ्रू आउट केमिस्ट्री। तो आयनिक मोबिलिटी तो बढ़ेगी, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आयनिक मोबिलिटी की वजह से कंडक्टेंस बढ़ती है। ओके, अगर कंडक्टेंस बढ़ती है तो रेसिस्टेंस घटेगा, तो ये फैक्टर ऑटोमेटिकली आपका हो गया। अब हम बात करते हैं सेल कांस्टेंट की वैल्यू। कंडक्टेंस को जी से लिखते हैं और सेल कांस्टेंट को जी स्टार से लिख देते हैं, या फिर सेल कांस्टेंट को हमने सी सी सेल कांस्टेंट भी लिखा था, और सेल कांस्टेंट एल बाई ए होता है, एल इज डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड इन कंडक्टिविटी सेल, जिसमें एसी करंट यूज करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। डीसी करंट कंडक्टिविटी सेल में कंडक्टेंस मेजर करने के लिए क्यों नहीं यूज करते उस एक्सपेरिमेंट में, कंडक्टिविटी सेल के एक्सपेरिमेंट में, क्यों? क्योंकि अगर डीसी करंट पास करेंगे हम लोग तो हमारा एनोड पे ऑक्सीडेशन कैथोड पे रिडक्शन रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी, और एसी करंट से रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होती। हमारा काम कंडक्टेंस मेजर करना है, हमारा काम कंडक्टेंस मेजर करना है, रिडॉक्स रिएक्शन नहीं करवाना, तो एसी करंट ही पास करेंगे। सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट के बारे में एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने देखी थी, इट इज स्पेसिफिक टू ए कंडक्टिविटी सेल। एक खास कंडक्टिविटी सेल का कंस्ट्रक्शन है तो इलेक्ट्रोड वहीं पे होंगे क्योंकि वो तो फिक्स है, बना बनाया जैसा भी अवेलेबल है लैब में इंडस्ट्री में,
और एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड भी वही है, क्योंकि इलेक्ट्रोड तो फिक्स होते हैं, एक बार कंडक्टिविटी सेल बन गया तो बन गया, जिस कंपनी ने बनाया है। तो एल ना चेंज होगा ना ए चेंज होगा, तो सेल कॉन्स्टेंट यानी कि जी स्टार या फिर सी सी भी सेल कॉन्स्टेंट हम लोग लिख देते हैं, ऑथर लोग नहीं लिखते, हम लोग लिख देते हैं फॉर अवर कन्वीनियंस। तो जी स्टार एल बाई ए इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, डिपेंडेंट ओनली ऑन नेचर ऑफ कंडक्टिविटी सेल, और जब नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पे डिपेंड नहीं है तो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का तो दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। कोई भी सॉल्यूशन डालो कंडक्टिविटी सेल में, एल वही है डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड क्योंकि फिक्स है वो सेल जो बना हुआ है, ए वही है एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड फिक्स है जो कंपनी ने बना दिया, तो एल बाई ए इज फिक्स, एल फिक्स ए फिक्स, तो कंडक्टिविटी सेल का डाइल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन की तो दूर की बात है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से ही डिपेंडेंट नहीं होता, तो यहां तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी डाइल्यूशन करने पर बढ़ती है, कैसे आप देखोगे इसको आप दूसरे तरीके से सोच सकते हैं। डाइल्यूशन करने पर मोलर कंडक्टिविटी, बताओ किसी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, कापा मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइड बाई मोलरिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। मैंने बताया था अगर ये इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो कापा भी उसी इलेक्ट्रोलाइट का होगा और ये मोलरिटी भी उसी इलेक्ट्रोलाइट की होगी, ये जिस आयन के लिए भी कापा भी उसी आयन का होगा और ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन भी उसी आयन की होगी। यहाँ पे सेंटीमीटर वाली यूनिट यूज करनी है, आप लोग जानते हैं। ओके, तो ऑन डाइल्यूशन मुझे बताओ जरा, डाइल्यूशन करेंगे हम किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की तो मोलरिटी तो कम होगी, कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। अच्छा, डाइल्यूशन करने पर कापा भी कम होती है, तो डाइल्यूशन करने पर कापा कम होगी तो ये तो कम होनी चाहिए मैथमेटिकली, और कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो ये बढ़नी चाहिए। तो डाइल्यूशन करने पर ये घटेगा, ये घटेगा, ये घटेगा तो मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी घटनी चाहिए इलेक्ट्रोलाइट की, ये घटेगा तो बढ़नी चाहिए। मैंने बढ़ने वाला एरो बड़ा बनाया है और घटने वाला एरो छोटा बनाया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि डाइल्यूशन करने पर नेट मोलरिटी वाला फैक्टर डोमिनेट करता है मैथमेटिकली कैलकुलेशन से, हेंस नेट ये इंक्रीज होगा, नेट देयर इज इंक्रीज इन मोलर कंडक्टेंस, यू कैन थिंक दिस वे। इसी तरह इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में भी नॉर्मलिटी की बात करते हो, मोलरिटी घटेगी तो नॉर्मलिटी भी घटेगी सॉल्यूशन की ऑब्वियसली, क्योंकि नॉर्मलिटी क्या होती है, मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर। अब एन फैक्टर तो चेंज होने वाला नहीं है डाइल्यूशन पर, तो ये तो कॉन्स्टेंट है, ये घटेगी तो ये भी घटेगी, उतने ही टाइम्स घटेगी, जितने टाइम ये घटी उतने टाइम ये घटेगी, तो नॉर्मलिटी घटेगी, कापा घटी तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी घटी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की, नॉर्मलिटी घटी तो बढ़ेगी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। व्हाट आई मीन टू से कि इसके घटने से ज्यादा बढ़ती है, इसके घटने से कम घटती है, तो नेट बढ़ती है, हेंस डाइल्यूशन करने पर मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आपकी बढ़ती है। रीजन वही है, वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, वीक इलेक्ट्रोलाइट में ज्यादा बढ़ेगी और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में सेम एक्सटेंट ऑफ डाइल्यूशन करने पर कम बढ़ेगी, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयंस जो स्ट्रॉन्ग फैक्टर होता है, मोबिलिटी ऑफ आयन दोनों फेवर करते हैं डाइल्यूशन करने पर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयंस फेवर नहीं करते, जो कि ज्यादा इफेक्टिव फैक्टर है, मोबिलिटी ऑफ आयंस ही फेवर करता है, इसलिए ज्यादा ग्रोथ किस में होगी, वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में होगी, और डाइल्यूशन सेम एक्सटेंट ऑफ डाइल्यूशन करेंगे तो। ठीक है, अब ये जो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन मैंने बताया, ये आपको ये इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जाएगा, वी हैव एक्सप्लेन्ड व्हाई इट इज। अगर मैं एक पॉइंट लिखूं ऑन डाइल्यूशन यानी कि कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज ऑन डाइल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कंडक्टिविटी डिक्रीजेस बट मोलर कंडक्टिविटी
एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीज। क्या स्टेटमेंट टू लग रहा है आपको? जी हाँ, डाइल्यूशन करने पर कापा घटती है लेकिन लेमडा एम और लेमडा इक्यू बढ़ती है। ये आपका लेमडा एम है मोलर कंडक्टिविटी, ये है लेमडा इक्यू और ये है आपका कापा, आप लोग जानते हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स नहीं पूछ रहा था मैं आपसे, ये स्टेटमेंट ट्रू है और ये जस्ट मैं नोट लिखवाना चाहता था क्योंकि ज्यादातर इन्हीं तीनों के बारे में पूछा जाता है। सो दोस्तों, ऑन डाइल्यूशन कंक्लूजन क्या निकला? डाइल्यूशन जैसे जैसे बढ़ाएंगे कंडक्टेंस बढ़ेगी, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बढ़ेगी और बस यही तीन मैंने बात की। लेकिन कापा क्या होगी? घटेगी। कापा घटेगी तो रो क्या होगा? बढ़ेगा। कंडक्टेंस अगर आपका बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस घटेगा। सो आंसर इज, क्योंकि डाइल्यूशन करेंगे तो आयन ज्यादा मोबाइल होंगे, आयन्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा तो इंटर आयोनिक इंटरेक्शन जो सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन होता है रेसिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल वो कम हो जाएगा तो कंडक्टेंस बढ़ेगी और इजिली फ्लो करेंगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगी। इजीनेस विद विच चार्ज कैरियर फ्लो इज कंडक्टेंस एंड हिंड्रेंस विद विच चार्ज कैरियर फ्लो इज। अब आयन दूर दूर हो गए तो हिंड्रेंस कम रहेगी क्योंकि फ्री मूव करेंगे तो रेसिस्टेंस तो कम ही होगा, हिंड्रेंस तो कम ही होगी। ये हमारा फाइनल कंक्लूजन है ऑन डाइल्यूशन। अब मैंने इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन किया तो अब मैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अगर आपसे मैं पूछ लूं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो अब टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो कंडक्टिंग पावर ऑफ सॉल्यूशन को क्या होगा? कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड कंडक्टिविटी ऑल इंक्रीजेस ऑन इंक्रीमेंट ऑफ टेम्परेचर। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अगर मैं देखूं, अभी 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 ने क्या देखा था, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आयनिक मोबिलिटी बढ़ेगी, ज्यादा एनर्जी रहेगी, आयनिक स्पीड बढ़ेगी, ज्यादा मोबिलिटी ऑफ आयन होगी तो कंडक्टिंग पावर ऑफ सॉल्यूशन तो बढ़नी बढ़नी है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस कंडक्टिंग पावर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस, तो आपकी कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी सभी बढ़ेंगी। हाँ, कंडक्टेंस अगर आपकी बढ़ जाती है तो रेसिस्टेंस कम हो जाती है, ऑब्वियसली वो तो आप तो देख लोगे। कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो रेसिस्टिविटी कम होगी, वो ऑब्वियस सी बात है। कंडक्टिंग पावर से रिलेटेड कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जितनी भी है सब बढ़ेगी तो रेसिस्टेंस वगैरह घट जाएगा। इसकी बिगनिंग में हम बात कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने पर रेसिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का, इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर बढ़ाने पर रेसिस्टेंस कम होता है क्योंकि सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन एंड सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन तीन तरह के हिंड्रेंस होते हैं जो आयंस को फ्रीली मूव नहीं करने देते। टेम्परेचर बढ़ाने पर सब वीक हो जाते हैं ये और रेसिस्टेंस घट जाता है, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिंग पावर ऑफ सॉल्यूशन बढ़ जाती है। तो ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हो गया, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेंगे। अब हम मैथमेटिकली बात करते हैं आगे, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विद कॉन्सेंट्रेशन। इफ वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम कुछ भी ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल KCl, HCl, NaCl, Na2SO4, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड सोर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं आप लोग जानते हैं। तो मोलर कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर घटती है
और घटाने पर बढ़ती है, क्योंकि अभी हमने देखा था जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, डाइल्यूशन करने पर लेम डैम बढ़ती है, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर लेम डैम कम होगी, और वो लीनियरली कम होगी, किस तरह कम होगी वो हमें देखना है। तो इसके लिए एक रिलेशन है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिवाइ हकल ऑनसेगर इक्वेशन, डिवाइ हकल ऑनसेगर इक्वेशन, ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, इज लेमडा एम लेमडा इन्फिनिटी माइनस बी अंडररूट सी। ये एनसीईआरटी में दे रखा है, दिस इज मेंशन इन एनसीईआरटी, इसमें स्मॉल बी लिखो या कैपिटल बी लिखो, बी किस चीज के ऊपर, यहां पे कॉन्सेंट्रेशन है, यहां पे मोलर कंडक्टिविटी है, तो कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट मोलर कंडक्टिविटी हम देख रहे हैं, इफ ऑन कॉन्सेंट्रेशन वेरिएशन मोलर कंडक्टिविटी को क्या फर्क पड़ेगा, है ना। तो लेमडाइम ये डिबाई हकल ऑन सेकल इक्वेशन दैट इज गिवन इन एनसीईआरटी, लेकिन कुछ बुक्स में ये कुछ ऐसी भी दी हुई होगी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, लेमडा एम इन्फिनिटी क्या है, लेमडा एम इन्फिनिटी मीन्स मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और लेमडा एम अगर हम जीरो लिख दें तो मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करेंगे, सॉल्वेंट ऐड करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन कम होती चली जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन कम होती चली जाएगी। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब है इतना सॉल्वेंट ऐड कर दिया कि वीक इलेक्ट्रोलाइट हो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो सब 100% डिसोसिएट हो जाएंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो वैसे ही 100% डिसोसिएटेड थे, लेकिन एक आयन दूसरे आयन के इन्फ्लुएंस में नहीं रहेगा, को आयन इंट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब एवरी आयन इज माइग्रेटिंग इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ अदर आयन इन द सोल्यूशन। डाइल्यूशन करने पर आयन इतने दूर दूर हो गए कि दूसरे आयन का एक पर्टिकुलर आयन के मूवमेंट पे माइग्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डाइल्यूशन करते रहो तो आपका क्या हो जाएगा, डाइल्यूशन करते रहेंगे तो आप अभी अभी आपने पढ़ा, डाइल्यूशन करेंगे तो लेमडा एम लेमडा इक्यू इन सब की वैल्यू बढ़ेगी, तो लेमडा एम की वैल्यू बढ़ेगी बढ़ेगी। इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब लेमडा एम की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, और वो है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, यानी कि ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये सब नो डाइल्यूशन करने पर बढ़ेगी। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब अब आयनिक मोबिलिटी फुल टूस है, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस है, कोई आयन इंट्रैक्शन नहीं है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन करेंगे तो अल्फा भी बढ़ेगा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन डाइल्यूशन की वो स्टेज है जिसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह 100% आयोनाइज हो जाए, वीक इलेक्ट्रोलाइट भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह 100% आयोनाइज हो जाए। तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं, तो नंबर ऑफ आयंस भी वीक इलेक्ट्रोलाइट में बढ़ रहे हैं और आयनिक मोबिलिटी बढ़ रही है, तो उसकी वजह से लेमडा एम वीक इलेक्ट्रोलाइट का बढ़ेगा, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर पूरा वीक इलेक्ट्रोलाइट भी स्ट्रॉन्ग 100% टूट जाएगा, अल्फा 1 हो जाएगा वीक का भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाले स्टेज पे। तो हम बोलेंगे इसकी भी अब इससे ज्यादा क्या बढ़ेगी, मैक्सिमम हो गई, तो वो लिमिटिंग या मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी होती है लेमडा इन्फिनिटी। अब इतना डाइल्यूशन किया, इतना डाइल्यूशन किया, इतनी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, इतनी कम कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, तो बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन टेंड्स टू जीरो या कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू जीरो, एक्चुअली टेंड्स टू जीरो, पर थियोरेटिकली कॉन्सेंट्रेशन इज इनफाइनाइट डाइल्यूशन और जीरो कॉन्सेंट्रेशन मतलब एक ही चीज है। तो ये क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, हम ऐसे भी लिख देते हैं लेमडा इन्फिनिटी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को, और लेमटाइम जीरो, जीरो मतलब कॉन्सेंट्रेशन, इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दोनों का मतलब एक ही है मैथमेटिकली। ये क्या है, मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये क्या है मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी, और मैक्सिमम की जगह हम दूसरा वर्ड भी यूज करते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी।
लिमिटिंग और मैक्सिमम, लैम्डा एम इंफिनिटी क्या होगी, मैक्सिमम और लिमिटिंग कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे या जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे, यस और नो, ये हो जाएगी लिमिटिंग और मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी। अगर हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करें तो लैम्डा इक्यू इन्फिनिटी अगर हम लिखें, लैम्डा इक्यू जीरो लिखें, तो ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो जाएगी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जीरो, तो ये क्या हो जाएगी मैक्सिमम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये डिनोट करने का तरीका है। तो लैम्डा एम इन्फिनिटी तो लैम्डा एम की मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम पॉसिबल थियोरेटिकल वैल्यू है, तो ये होगी लैम्डा एम इन्फिनिटी मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। ये वैल्यू तो फिक्स है, ये वैल्यू हर इलेक्ट्रोलाइट के लिए फिक्स रहेगी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जितनी है उतनी ही रहेगी, लेकिन लैम्डा एम चेंज होगी, पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे जो है वो चेंज होगी, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन चेंज करेंगे, पर ये तो कॉन्स्टेंट है पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे तो लिमिटिंग और मैक्सिमम केस है, वो फिक्स है, वो वैल्यू फिक्स है। लैम्डा एम इन्फिनिटी, लेकिन बुक्स में ऐसा लिखा रहता है माइनस ए लैम्डा एम इन्फिनिटी प्लस बी अंडर रूट सी। ये जो कांस्टेंट है ए एंड बी कांस्टेंट, ये है फॉर सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन, और ये कांस्टेंट जो हम लोग लगाते हैं वो फॉर सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन। बी हम जो लेते हैं वो सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन के लिए होता है, ए सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन के लिए होता है। आप कौन सा यूज करके चलेंगे, ये भी पूरा एक कांस्टेंट हो गया, लैम्डा इन्फिनिटी कांस्टेंट है पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ए और बी भी डिबाई हक्कल कांस्टेंट कहलाएंगे, है ना, दिस इज ऑल्सो डिबाई हक्कल कांस्टेंट, लेकिन एनसीईआरटी में इस पूरे कांस्टेंट को एक कांस्टेंट की फॉर्म में दे रखा है, पूरे कांस्टेंट को एक कांस्टेंट की फॉर्म में दे रखा है, तो इसको हम दैट विल बी यूजफुल फॉर अस। ठीक है, हालांकि वो उस फॉर्मेट में मिल सकती है। तो ये जो हक्कल कांस्टेंट है, डिबाई हक्कल कांस्टेंट है बी या कैपिटल ए कैपिटल बी, ये क्या होगा, बी इज डिपेंडेंट ऑन बी, डिबाई हक्कल कांस्टेंट इज डिपेंडेंट ऑन फर्स्ट सॉल्वेंट कौन है, सेकंड टेम्परेचर कौन है कितना है, एंड थर्ड नेचर ऑफ सॉल्यूट, यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन हम बना रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन की बात करते हैं हम, वो जैसे NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है, तो ये NaCl है, ये पानी है, कोई सॉल्यूशन है, तो लाइक दिस। सॉल्वेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कंडक्टर के लिए भी डिपेंड करता है, और टेम्परेचर के लिए भी, टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। इसमें कैसे डिपेंड करेगा, एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिवाइड हेकल ऑन सेगर इक्वेशन, मैं कुछ स्पेस बना लेता हूं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीजेस, बी की वैल्यू इंक्रीज होगी एज विस्कोसिटी, यानी कि कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, ये क्या है, कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी इंक्रीजेस बी की। तो अलग अलग सॉल्वेंट के लिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अलग अलग होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी अलग अलग होगा, जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो बी की वैल्यू बढ़ेगी, जितना ज्यादा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी उतना ही बी की वैल्यू बढ़ेगी। यहां पर टेम्परेचर की बात करें तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस डिबाई हक्कल ऑन सेगर कांस्टेंट इंक्रीजेस, नेचर ऑफ सॉल्यूट तीसरा फैक्टर है, नेचर ऑफ सॉल्यूट बी को इंपैक्ट करने वाले, बी की वैल्यू को डिसाइड करने वाला नेचर ऑफ सॉल्यूट और इलेक्ट्रोलाइट। अब सॉल्यूट का मैं चार्ज और कैटायन आयन के हिसाब से मैं सॉल्यूट को
टाइप्स में क्लासिफाई कर लेता हूँ सॉल्यूट को, अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाई कर लेता हूँ, तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूट और इलेक्ट्रोलाइट, यहां इस चीज को समझने के लिए मैं टाइप्स, ये किसके बेस्ड है, टाइप बेस्ड ऑन चार्ज ऑन कैटायोनिक पार्ट एंड एनायोनिक पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कैटायोनिक और एनायोनिक पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे जो चार्ज है उसके हिसाब से हम बात करेंगे। जैसे NaCl, मैं बात करूं MgCl2, मैं बात करूं CaCl2, मैं बात करूं AlCl3, लाइक दिस। देखो इसमें Na पॉजिटिव है, Cl माइनस वन है, तो ये क्या हो गया, यूनिवेलेंट आयन। तो ये कैटायन और एनायन 1:1 में है, तो इसको बोलेंगे 1:1 टाइप ऑफ सॉल्यूट और इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे +2 है और यहाँ पे -1 चार्ज है, बेस ऑन चार्ज है, तो इसको बोलेंगे 2:1 इलेक्ट्रोलाइट है। ये भी क्या हो जाएगा, +2 है और -1 है, +3 है और -1 है, 3:1 हो जाएगा। ये दोनों सेम टाइप के बोले जाएंगे, ये अलग टाइप का हो गया, ये अलग टाइप का हो गया। तो कैटायन एनायन पे चार्ज कितना है, उस हिसाब से टाइप ऑफ सॉल्यूट बी की वैल्यू को डिसाइड करते हैं। अगर एक ही टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, अगर सॉल्वेंट फिक्स है और टेम्परेचर फिक्स है, तो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के लिए, सॉल्यूट के लिए बी की वैल्यू फिक्स है। तो वैल्यू ऑफ बी इज सेम फॉर MgCl2 एज वेल एज CaCl2 प्रोवाइडेड बाकी दोनों फैक्टर फिक्स हैं। फॉर गिवन सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर बी वैल्यू इज सेम फॉर सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अलग अलग टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के लिए बी की वैल्यू अलग होगी। ये जस्ट बी की बाई चांस न्यूमेरिकल में पूछ लेंगे, इसलिए मैंने ये वैल्यू दी है। ये मैंने बी किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, ये जनरली नहीं पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो अभी जो मैं ग्राफ बना रहा हूं वो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व ग्राफ है। वाई एक्सिस पे मैं लेमडा एम ले रहा हूं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, और एक्स एक्सिस पे मैं अंडर रूट सी ले रहा हूं। यहां से यहां कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, तो यहां से यहां डाइल्यूशन बढ़ेगा, और डाइल्यूशन बढ़ने पर लेमडा एम आपका बढ़ता है। ये इक्वेशन क्या बोल रही है, लेमडा एम इज इक्वल टू लेमडा एम इन्फिनिटी माइनस बी अंडर रूट सी। मेरा एक्स एक्सिस पे क्या है, अंडर रूट सी। वाई एक्सिस पे क्या है, मोलर कंडक्टिविटी। तो यहां से अगर हम देखें तो ये अपना एक्स एक्सिस पे है, ये वाई एक्सिस पे, डीवाई हेंकल वोनसेगर इक्वेशन के अनुसार। तो ये वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और वाई इंटरसेप्ट कितना हो गया, पॉजिटिव है, लेमडा इन्फिनिटी, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लेमडा एम इज लेमडा इन्फिनिटी और लेमडा एम जीरो। और ये स्लोप कितना हो गया, स्लोप हो गया आपका नेगेटिव। बताओ नेगेटिव स्लोप की मतलब ऐसे गिरती हुई लाइन होगी, और y इंटरसेप्ट पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव y एक्सिस को कट करेगा। y इंटरसेप्ट जीरो होता तो ओरिजिन से पास होती स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है y = mx + c। तो ये इक्वेशन क्या बोलती है, ये इक्वेशन बोलती है कि ग्राफ ऐसा होगा, नेगेटिव स्लोप और y पॉजिटिव y इंटरसेप्ट को कट करेगी। जब कौन यहाँ पे c की वैल्यू जीरो हो जाएगी ओरिजिन पे, जब c की वैल्यू जीरो हो जाएगी, इस इक्वेशन पुट करो, इफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन c इज इक्वल टू जीरो, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन, c की वैल्यू जीरो मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो c की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो लेमडा एम की वैल्यू क्या आ गई, मैक्सिमम वैल्यू आ गई लेमडा एम इन्फिनिटी। तो क्या है लेमडा इन्फिनिटी, क्या है, मोलर कंडक्टिविटी है बट फॉर इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, लिमिटिंग और मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो जब सी की वैल्यू जीरो होगी बच्चों, तो इस ग्राफ को, सी की वैल्यू जीरो प्रैक्टिकली तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन जीरो मतलब वो तो सॉल्वेंट ही हो गया, सॉल्यूट तो हुआ ही नहीं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन तो हुआ ही नहीं। तो सी इज इक्वल टू जीरो प्रैक्टिकली मतलब नहीं है, लेकिन हम इस ग्राफ को एक्सट्रापोलेट करते हैं, क्या करते हैं, एक्सट्रापोलेट करते हैं। एक्सट्रापोलेट मतलब जहां पे ग्राफ नहीं बनाया जा सकता वहां पर भी हम प्रोजेक्ट कर दें, वहां पर भी हम लोग एक्सटेंड कर दें उसको, तो उसको एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ ग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
एक्स्ट्रापोलेशन, एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ ग्राफ करते हैं हम लोग, ग्राफ को बढ़ाते हैं, तो यहां पे सी इज इक्वल टू जीरो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ग्राफ स्ट्रेट लाइन है इसलिए वो इधर आके कट करेगा, ठीक है। ये वैल्यू सी वन कॉन्सेंट्रेशन थी तो ये आ गई एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, सी टू कॉन्सेंट्रेशन है तो घट गई, और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी तो मोलर कंडक्टिविटी और घट गई, और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी तो और घट गई। अब ये ऐसे जानी चाहिए, लेकिन जब बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन है तो एक्चुअल में ग्राफ ऐसा रहता है, ऐसा नहीं रहता, एक्चुअल में स्ट्रेट लाइन से थोड़ा सा डिविएट कर जाता है एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व डेटा के अनुसार। ऐसा क्यों होता है? जब कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, यानी कि हाई ग्राफ ऐसा होना चाहिए था लेकिन ग्राफ थोड़ा ऊपर से है, एट हाई कॉन्सेंट्रेशन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हाई कॉन्सेंट्रेशन पे स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है, यहां से यहां कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, यहां से यहां डायरेक्शन बढ़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, वाई इंटरसेप्ट क्या हो गया, लेमडा एम इंफिनिटी। तो स्ट्रेट लाइन का नेचर हमें पता है सीधी लाइन है तो कहां जाके कट करेगी, वो एक्सट्रापोलेट करके बिंदास बना सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व पॉइंट है तो इससे एक स्ट्रेट लाइन बन गई एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व डेटा से, तो इसको हम एक्सट्रापोलेट कर दें, क्योंकि स्ट्रेट लाइन, चूंकि ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, अगर ये हाइपरबोलिक ग्राफ होता तो ये हाइपरबोला तो कभी टच ही नहीं करता वाई एक्सिस को, एक वेल डिफाइंड पॉइंट पर टच ही नहीं करता, तो वहां पे हम नहीं बता सकते थे सी इज इक्वल टू जीरो पे क्या वैल्यू है। तो ये नेचर ऑफ ग्राफ के ऊपर डिपेंड करता है, स्ट्रेट लाइन तो एक्सट्रापोलेट की जा सकती है। तो ये स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ आया एक्सपेरिमेंटल डेटा से, और थ्योरेटिकली डिवाई हर्कल ओनसेकर इक्वेशन से भी हम लोग देखते हैं, तो बाय एक्सट्रापोलेटिंग द ग्राफ ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेमडा एम इनफिनिटी, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड, ये निकाल सकते हैं हम लोग एक्सपेरिमेंटल डेटा से। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि जब कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो अगर ये ऐसे इंक्रीज होती, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल सीधी आती तो इधर आती, तो यहां से यहां तक शूट अप करनी थी, इतनी बढ़नी थी, लेकिन ये बहुत ही धीरे धीरे बढ़ रही है, बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है। हाई कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व की गई कि बहुत ग्रेजुअली बढ़ती है, बहुत धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन जैसे जैसे डायरेक्शन बढ़ता है तो लीनियरली अच्छे से इंक्रीज करती है। Relative to high concentration. Reason being, at high concentration, there is co-ion interaction. जैसे KCl का ग्राफ ले लें तो K पॉजिटिव आयन, Cl नेगेटिव आयन, हाई कॉन्सेंट पास पास होंगे तो एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में होंगे, तो फ्रीली मोबाइल नहीं होंगे, इसलिए कंडक्टिविटी अच्छी नहीं होती और बहुत धीरे धीरे इंक्रीज होती है बिकॉज ऑफ co-ion interaction, बिकॉज ऑफ अपोजिटली चार्ज आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का इंट्रेक्शन होता है, तो आयन पूरी तरह फ्री नहीं होते तो अच्छे से कंडक्टिंग पावर नहीं होती, तो मोलर कंडक्टिविटी बहुत ग्रेजुअली इंक्रीज होती है, थोड़ा डाइल्यूशन बढ़ा देंगे दूर दूर जाएंगे तो फिर अच्छे से इंक्रीज होगी। तो व्हाट इज द रीजन एट हाई कॉन्सेंट्रेशन मोलर कंडक्टिविटी धीरे धीरे क्यों बढ़ती है? ड्यू टू को आयन इंट्रेक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये किसका ग्राफ है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द ग्राफ ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फॉर एग्जाम्पल KCl का ग्राफ है, तो यहाँ पे K पॉजिटिव आयन, Cl नेगेटिव आयन एक दूसरे से हाई कॉन्सेंट्रेशन, बहुत ज्यादा आयन है हाई कॉन्सेंट्रेशन पे एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे और कंडक्टिविटी अच्छी नहीं होगी, कम भी है, जैसे जैसे डाइल्यूशन कर रहे हैं बढ़ रही है, बहुत तोड़ तूफानी नहीं बढ़ रही है, धीरे 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 इंक्रीज कर रही है, ये सुनो क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ आयन्स तो बढ़ नहीं रहे, मोबिलिटी ऑफ आयन बढ़ रहा है, यहाँ पे आयन अच्छे से मोबाइल नहीं है क्योंकि एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में है, पॉजिटिव नेगेटिव आयन बहुत सारे हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में तो इंटर कर रहे हैं, तो मोबिलिटी कम है, फ्री नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, इसलिए कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है डाइल्यूशन पर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड स्टेट में, बट धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, ये सुनो। तो लेमडा इन्फिनिटी इस ग्राफ से हमें और इस डिस्कशन से हमें ये समझ में आता है कि कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो, यानी कि मैक्सिमम और लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकाली जा सकती है। यहां से यहां तो एक्सपेरिमेंटल डेटा से ग्राफ बन गया, पर स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, इसका पूरा पूरा फायदा उठाएंगे हम लोग, इसको एक्स्ट्रापोलेट कर देंगे, एक्स्ट्रापोलेट नहीं बोल रहा, आप बोलोगे प्लॉट मतलब ग्राफ, मैं एक्स्ट्रापोलेट बन रहा हूं, एक्स्ट्रापोलेट करना, एक्स्ट्रापोलेशन,
इंग्लिश का वर्ड है, मतलब प्रोजेक्ट करना, जहां पे चीजें नहीं पता वहां पर भी प्रोजेक्ट करके बताना, उसको एक्सट्रापोलेशन बोला जाता है। तो यहाँ पे सी इज इक्वल टू जीरो पे तो पता नहीं है एक्सपेरिमेंटली, तो हम क्या करेंगे, एक्सट्रापोलेट करेंगे ग्राफ को। तो एक्सट्रापोलेशन ऑफ ग्राफ पे लिमिटिंग और मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा इंफिनिटी और लैम्डा जीरो की वैल्यू एक्सट्रापोलेशन ऑफ ग्राफ से कहाँ कट करेगी वो वैल्यू देख लेंगे वाई एक्सिस पे, सेम टाइम पे। अब मैं आपको बोलूंगा कि भाई बताओ कि लैम्डा एम की बजाय मैं लैम्डा ई क्यू कर दूं तो केसीएल का ग्राफ कैसा रहेगा। बहुत ही आसान है, लैम्डा एम क्या होता है, लैम्डा ई क्यू मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टर। केसीएल का एन फैक्टर क्या होगा, टोटल कैटायनिक सोल्ट का एन फैक्टर क्या होगा, टोटल कैटायनिक चार्ज और टोटल एनायनिक, प्लस वन टोटल कैटायनिक एनायनिक प्लस वन, तो इसका एन फैक्टर वन है, तो इसका एन फैक्टर वन हो गया, तो ये वन है, तो जो मोलर कंडक्टेंस है वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, तो ये बिल्कुल ऐसा वैसा ग्राफ आएगा, इसी के ऊपर ही EQ कर दोगे भी ग्राफ होगा वो रहेगा डी टू का डी टू यहाँ पर। लेकिन एन फैक्टर अगर अलग होगा, जैसे मैं के टू एसओ फोर की बात करूं तो यहाँ पर एन फैक्टर आपका टू रहेगा, क्योंकि दो पॉजिटिव है और सल्फेट पे दो नेगेटिव है, तो एन फैक्टर टोटल कैटायनिक चार्ज और टोटल एनायनिक चार्ज होगा। यहाँ पे एन फैक्टर दो रहेगा, इस बार दो रहेगा, तो मोलर कंडक्टेंस डिवाइड बाय टू इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, यानी कि मोलर कंडक्टेंस वर्सेस एन रूट सी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस अगर हम यहाँ पे कर देते हैं तो भी स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन मोलर कंडक्टेंस से आधा, ये वैल्यू जस्ट आधी इधर हो जाएगी, ये आधी इधर हो जाएगी, तो इधर से स्ट्रेट लाइन आएगी नीचे से जस्ट हाफ वैल्यू होकर, तो यानी कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही होगा। चाहे मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस अंडर रूट सी करो या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी वर्सेस सी करो, बस एन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, अब हम बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो डिबाई हकल ऑनसाइकर इक्वेशन किसके लिए है, ये इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ओनली। अगर न्यूमेरिकल में कोई आपको क्या बोलेंगे, सी वन दे देंगे, लैम्डा एम वन दे देंगे, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन सी वन दे देंगे, लैम्डा एम वन दे देंगे, फिर ये पॉइंट दे देंगे सी टू दे देंगे, लैम्डा एम टू दे देंगे, तो यहाँ पे सी वन लैम्डा एम वन सी टू लैम्डा एम टू, तो दो इक्वेशन बन जाएगी, ये पता है ये पता है, तो बी एन लैम्डा एम इन्फिनिटी दो की वैल्यू निकल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इन न्यूमेरिकल आपको बोलेंगे जब सी वन कॉन्सेंट्रेशन है तो लैम्डा एम वन है, सी वन एक्स मोलर है एक्स वन, तो ये हो गया आपका से y1, जब कॉन्सेंट्रेशन c2 है x2 मोलर, तो ये हो गया मोलर कंडक्टिविटी y2 हो गई, ठीक है, इसी तरह c3 हो गई, तो लैम्डा m3 यानी कि y3 की वैल्यू पूछ ली, ये दे रखा है ये दे रखा है ये दे रखा है ये दे रखा है, तो क्या करेंगे हम इस तरह के बहुत ही इजी न्यूमेरिकल में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिवाई हकल ऑनसाइकर इक्वेशन इज ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये हकल कांस्टेंट है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ओनली, सेकंड थिंग इज फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ वाली इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन y = mx + c, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन पे स्ट्रेट लाइन नहीं है, जैसे डाइल्यूशन करेंगे तो परफेक्ट स्ट्रेट लाइन है, तो व्हाट आई मीन टू से फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन इट होल्ड्स ट्रू, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए वैलिडिटी परफेक्टली नहीं रहती। ओके, ये पॉइंट हो गया, तो इस क्वेश्चन को कैसे करूंगा मैं, ये मेरे को डेटा दे रखा है लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम इंफिनिटी माइनस बी अंडर रूट सी, यहां पे पुट करो, ये हो गया आपका वाई वन लैम्डा एम इंफिनिटी माइनस बी अंडर रूट एक्स वन, पहला डेटा ये है, दूसरा डेटा है y2 is equal to lambda infinity minus b under root x2, ठीक है। अब इसमें दो कांस्टेंट है, b हकल कांस्टेंट है, ये लिमिटिंग और मोलर कंडक्टिविटी, ये भी कांस्टेंट होता है इवन इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ये और ये दो पैरामीटर है b and lambda infinity, क्या मैथमेटिक्स बोलता है, ये पता है मुझे, ये पता है ये पता है ये पता है, तो कैन आई गेट From these two equation, इन दोनों की वैल्यू निकल जाएगी, यस, इन दोनों की वैल्यू निकल गई, तो
तो अब मैं तीसरी बार लेमडा एम इज इक्वल टू वाई इन्फिनिटी माइनस बी अंडर रूट सी, अब ये मेरी क्या है वाई थ्री की वैल्यू पूछी है, लेमडा एम इन्फिनिटी मेरा निकल चुका है, बी की वैल्यू निकल चुकी है दोनों इक्वेशन से, ये मेरा एक्स थ्री है ये दे रखा है, ये दे रखा है बी की वैल्यू यहाँ से पुट कर दोगे लेमडा एम इन्फिनिटी की तो वाई थ्री आ जाएगा, वाई थ्री आ जाएगा। इस तरह के बहुत ही इजी न्यूमेरिकल आप डिवाई हेक्टल इक्वेशन के ऊपर पूछ लेंगे। डिवाई हेक्टल इक्वेशन इज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इज नॉट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अप्रोप्रिएटली कब यूज कर सकते हैं, इट कैन बी यूज अप्रोप्रिएटली फॉर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, नॉट फॉर वेरी हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। ओके, एक्सट्रापोलेशन ऑफ ग्राफ से लेमडा इन्फिनिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैलकुलेट की जा सकती है। लेमडा इन्फिनिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैन बी कैलकुलेटेड फॉर, अब हम बात करते हैं वेरिएशन ऑफ लेमडा एम ऑफ वीक एसिड वीक बेस वीक इलेक्ट्रोलाइट विद कॉन्सेंट्रेशन, इसका वेरिएशन देखते हैं। तो एक्चुअल में या तो दोनों फैक्टर फेवर करते हैं, जैसे जैसे यहां से यहां डाइल्यूशन करोगे कॉन्सेंट्रेशन यहां से यहां बढ़ रही है, यहां से यहां डाइल्यूशन बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ेंगे। एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट फॉर एग्जाम्पल में वीक एसिड एसिटिक एसिड ले लेता हूं जो बहुत ही फेमस होता है वीक एसिड के रूप में वीक इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, तो इसमें दो दो फैक्टर फेवर करते हैं। जब बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नेग्लिजिबल, तो नेग्लिजिबल आयंस होंगे ना के बराबर आयंस होंगे, तो कंडक्टिव पावर नेग्लिजिबल होगी, मोलर कंडक्टिविटी नेग्लिजिबल होगी, है ना, मोलर कंडक्टिविटी नेग्लिजिबल होगी, यस और नो। लेकिन जैसे ही मैं इसका डाइल्यूशन करूंगा तो नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ेंगे और आयनिक मोबिलिटी भी, तो दोनों फैक्टर से इसकी मोलर कंडक्टिविटी सूट अप करेगी, बड़ी फटाफट से बढ़ेगी क्योंकि दोनों फैक्टर फेवर कर रहे हैं। तो इसका जो ग्राफ होता है, इसका हम ग्राफ देखें एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व ग्राफ, तो इस तरह इसका ग्राफ हाइपरबोलिक होता है। क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हो गया फॉर एग्जाम्पल KCl, ये ग्राफ है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट का फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड। देखो स्टार्टिंग में जीरो थी इसकी मोलर कंडक्टिविटी क्योंकि नंबर ऑफ बहुत हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में तो अल्फा ही नेग्लिजिबल होता है, तो आयंस ही बहुत कम होंगे तो कंडक्टिविटी नेग्लिजिबल, मोलर कंडक्टिविटी। जैसे जैसे डाइल्यूशन किया तो नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ेंगे, आयनिक मोबिलिटी, यहां सिर्फ आयनिक मोबिलिटी बढ़ रही थी तो धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा था, और यहां पर नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ेंगे और आयनिक मोबिलिटी बढ़ेगी तो यहां सूट अप करेगा फटाफट से। लेकिन ये कैसा ग्राफ है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ है, दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ। अब हाइपरबोला ना तो एक्स एक्सिस को टच करता है फाइनाइट पॉइंट पे, ना वाई एक्सिस को टच करता है, तो इस ग्राफ को हम एक्सट्रापोलेट करके हम C इज इक्वल टू जीरो पर लेमडा एम जीरो या लेमडा एम इन्फिनिटी की वैल्यू नहीं निकाल सकते। बाय एक्सट्रापोलेटिंग द ग्राफ ये पॉइंट तो हमें पता चल गए एक्सपेरिमेंटली मेजर करके, तो इनसे तो ये ग्राफ बन गया, पर ये तो निकाल ही सकते ना, C इज इक्वल टू जीरो मतलब क्या मतलब हुआ, सॉल्वेंट ये सॉल्यूशन है ही नहीं, तो ये ग्राफ तो यहां तो एक्सट्रापोलेशन से निकाल दिया था, एक्सपेरिमेंटल डेटा से ग्राफ बन गया, एक्सट्रापोलेट कर दिया बाद में, यहां पर एक्सपेरिमेंटल डेटा से ग्राफ बन गया लेकिन एक्सट्रापोलेट तो हाइपरबोलिक ग्राफ तो कोई टच ही नहीं कर सकता बिकॉज इट क्रॉसेस वाई एक्सिस एट इंफिनिटी, यानी कि वेल डिफाइंड पॉइंट पे तो ही नहीं, तो यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का लेमडा एम इंफिनिटी या लेमडा एम जीरो नहीं निकाल सकते बाय एक्सट्रापोलेटिंग द ग्राफ। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव पूछेंगे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का कैसा होता है हाइपरबोलिक। देखो ये स्टार्टिंग से ही बहुत अमीर घराने का है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्टार्टिंग से बहुत गरीब है, लेकिन इसने जिंदगी में बहुत मेहनत की, जैसे जैसे डाइल्यूशन हुआ जैसे जिंदगी आगे बढ़ी इसने बहुत ग्रोथ की लाइफ में और फाइनली स्ट्रॉन्ग के आसे पासे पहुंच गया, लेकिन स्ट्रॉन्ग ने धीरे धीरे ग्रोथ की। तो इसकी स्टोरी रैक्स टू रिचेस स्टोरी है, है ना, फर्स्ट से अर्श तक पहुंचा ये जिंदगी में, और ये क्या पहले ही अमीर घर में पैदा हुआ था, धीरे 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 थोड़ी और ग्रोथ की बट तूफानी ग्रोथ नहीं हुई,
इसकी तो जबरदस्त हुई क्योंकि यहाँ पे दो दो फैक्टर फेवर कर रहे हैं, नंबर ऑफ आयंस तगड़ा वाला फैक्टर वो फेवर कर रहा है और आयनिक मोबिलिटी फैक्टर फेवर कर रहा है, और यहाँ पे सिर्फ आयनिक मोबिलिटी वो हल्का वाला फैक्टर फेवर कर रहा है, तो हल्की ग्रोथ है इसमें, रीजन आप समझते हैं ये सब हो। तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो, तो वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज दिस ग्राफ एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज दिस। डीबाई हकल ऑनसेगर इक्वेशन इसके लिए थी, इसके लिए नहीं है, हाँ इसके लिए नहीं है। तो दिस इज द रिलेशन ऑफ लेमडाइम वर्सेस, तो क्या कंक्लूजन निकला कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का लेमडाइम इन्फिनिटी हम डाइल्यूशन करने पर जो लेमडाइम इन्फिनिटी है उसकी वैल्यू, लेमडाइम जीरो की वैल्यू जीरो कंसेंट्रेशन या इन्फिनिट डाइल्यूशन पे, जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वीक इलेक्ट्रोलाइट की, वो एक्सट्रापोलेशन ऑफ ग्राफ से नहीं निकाल सकते, एक्सपेरिमेंट वैसे तो एक्सपेरिमेंट निकल ही नहीं सकता, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एक्सट्रापोलेशन ऑफ ग्राफ निकाल सकते हैं क्योंकि ग्राफ इतना सीधा है पता है वही जाके कट करेगा, इसका तो पता ही नहीं, ये सब हो। तो इसके लिए कोई लो बनाएंगे, कोई थ्योरेटिकल थ्योरी बनाएंगे हम लोग, और उस थ्योरी के अनुसार लेमडाइम इन्फिनिटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट कैलकुलेट करेंगे। और ये काम किया एक लो ने, एक थ्योरी ने, वो है कोलरोस लो ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एक कोलरोस लो है, उससे लेमडाइम इन्फिनिटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट का हाइपरबोलिक होता है, एक्सट्रापोलेशन ऑफ ग्राफ से कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। क्या लेमडाइम इन्फिनिटी और लेमडाइम जीरो लिमिटिंग और मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट नहीं की जा सकती है। तो दोस्तों कैन वी मेक ए नोट, ये जो ग्राफ दे रखे हैं वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के, ये एनसीईआरटी में दे रखे हैं, तो बोर्ड में पूछते हैं, दे विल आस्क इन जेई मेन, जेई एडवांस, जिपमर, बोर्ड, एवरीवेयर दिस डिस्कशन विल बी आस्क, एंड दिस इज वेरी कॉमनली आस्क, बहुत इजी चीज है, वेरी वेरी इजी। अब देखो कैन वी मेक ए नोट, लेमडा एम इंफिनिटी और लेमडा एम जीरो, जीरो कॉन्सेंट्रेशन इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एक्स्ट्रापोलेटिंग द ग्राफ कौन सा ग्राफ अभी जो बनाया है, बट लेमडा एम इन्फिनिटी और लेमडा एम जीरो ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट जो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ था उससे ऑब्टेन नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड by extrapolation of graph। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का लेमडा इन्फिनिटी आके निकाले कैसे, उसके लिए एक लो पिक्चर में है और वो है कोलरोस लो ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन सेट इन फाइनाइट डाइल्यूशन। तो लेमडा इन्फिनिटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट कैसे निकाले उसके लिए हम एक लो पढ़ते हैं, कोलरोस लो ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन, और उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी बनते हैं। तो दोस्तों ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है फॉर न्यूमेरिकल्स, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस कब होगा, आयन का माइग्रेशन और आयन की मोबिलिटी दूसरे आयन से इंडिपेंडेंट रहेगी, दूसरा आयन हो या नहीं हो, कितने हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, एक आयन इंडिपेंडेंटली मूव करेगा तो उसकी कंडक्टिविटी भी इंडिपेंडेंट होगी दूसरे आयन से। ऐसा कब होगा, जब इंडिपेंडेंट मूव करेगा वो कब होगा, जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे।
तो कोलरोस लो इज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट एज वेल, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देता हूं, फिर कोलरोस लो बोलता क्या है, व्हाट इट स्टेट्स, वो भी हम लोग लिखेंगे। तो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फर्स्ट इट इज अप्लीकेबल ओनली एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जो इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है वहीं पे उन्हीं के लिए ही कोलरोस लो लगाओगे, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए कोलरोस लो नहीं लगाओगे, क्योंकि इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन कब होगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर ही होगा, और उसी की जरूरत है, वही नहीं निकाल पाए हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा एम इनफिनिटी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाली ही वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू लैम्डा एम की हम नहीं निकाल पाए भाई एक्सपेरिमेंटल जो ग्राफ बना था उसका एक्सट्रापोलेशन से। सेकंड, इट इज अप्लीकेबल फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स, दैट इज ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स। जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा तो तब क्या होगा, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इवन वीक इलेक्ट्रोलाइट, इवन वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट कंप्लीटली, यानी कि अल्फा की वैल्यू 1 और परसेंटेज डिसोसिएशन इज 100%। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह 100% आयन्स में टूट जाएगा। पहले कम आयन दे रहा था तो कंडक्टिंग पावर कम थी, अब पूरा का पूरा टूट गया आयन में, 10 मोल लिए 10 के 10 मोल आयन में टूट गया, तो गजब की बात है, अब तो मैक्सिमम हो जाएगी, उससे ज्यादा क्या होगी, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन भी है और आयंस भी मैक्सिमम जितने मिल सकते हैं मिल गए, तो ये क्या हो जाएगी, लैम्डा इनफिनिटी मैक्सिमम ही होती है, लिमिटिंग वैल्यू ही होती है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। नेक्स्ट, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच आयन माइग्रेट इंडिपेंडेंटली irrespective of nature of other ions in solution, so there is independent contribution of ions in molar conductivity या equivalent conductivity, molar conductivity of electrolytic solution or electrolyte in solution, electrolyte यानी कि solute। हर आयन इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करेगा तो सभी आयन का अपना इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूशन होगा इन ओवरऑल मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जैसे NaCl है तो उससे एक मोल NaCl से एक मोल Na पॉजिटिव आयन आएंगे, एक मोल Cl नेगेटिव आएंगे, तो एक मोल NaCl की जो मोलर कंडक्टिविटी होगी तो उससे कॉन्स्टेंट आयन एक मोल Na पॉजिटिव और एक मोल Cl नेगेटिव की मोलर कंडक्टिविटी का समेशन हो जाएगी, क्योंकि हर आयन Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव जो भी है अपना इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूशन देने लगेगा, उसका इंडिपेंडेंट माइग्रेशन होता है, एकदम फ्री है तो अपना इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूशन देने लगेगा इन ओवरऑल कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ये सब नो बस, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट वाटर किसके लिए एप्लीकेबल है, सबके लिए, जो भी इलेक्ट्रोलाइट लो सबके लिए लगा सकते हो, बट कब, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में नहीं,
इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाले स्टेट में, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाले स्टेट में आयंस कैसे माइग्रेट करते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर आयंस कैसे माइग्रेट, तो इसलिए क्या बोलते हैं इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, वो कब होगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो यही चीज समझ में आता है कोलरोस फ्लो इज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कंडीशन। अब ये क्या स्टेट करता है दिस लो, व्हाट इट स्टेट्स, अगर बोर्ड एग्जामिनेशन में वी नीड टू राइट इट स्टेटमेंट, देन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट is equal to sum of molar conductivities, sum of molar conductivities, molar ionic conductivities, conductivity of all its constituent ions, all its constituent ions, आयन की कंडक्टिविटी को आयनिक कंडक्टिविटी बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट का, बट कब एप्लीकेबल है इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जैसे मैं कैल्शियम क्लोराइड की बात करूं तो एक मोल कैल्शियम क्लोराइड की कंडक्टिविटी, मतलब मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर एक मोल CaCl2 एक मोल कैल्शियम आयन और दो मोल क्लोराइड आयन देगा, तो एक मोल कैल्शियम आयन की मोलर कंडक्टिविटी प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी कि दो मोल क्लोराइड आयन की मोलर, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट आयन्स हैं उस इलेक्ट्रोलाइट के सबकी मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी का समेशन, ओवरऑल कंडक्टिंग पावर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अभी इसी को मैं जस्ट ऑल आयन्स ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट आयन्स, ये चीज इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट सबके लिए लिखेंगे। जैसे मैं ले लेता हूं NaCl की मोलर कंडक्टिविटी, मैं बात कर देता हूं वीक CH3COS की मोलर कंडक्टिविटी, मैं बात कर लेता हूं CaCl2 की मोलर कंडक्टिविटी, मैं बात कर लेता हूं Ca3PO4 ट्वाइस की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये मोलर कंडक्टिविटी किसकी है, इलेक्ट्रोलाइट की है, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी हम वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट वाटर की भी ले लेते हैं, तो कोलरोच लो क्या बोलता है उसी को ही हम मैथमेटिकली लिख रहे हैं। एक मोल Na पॉजिटिव आयन की मोलर आयनिक कंडक्टिविटी, आयन के लिए हम स्मॉल लैम्डा लिखते हैं ऐसे, एक मोल Na पॉजिटिव एक मोल Cl, ये एक मोल की होगी मोलर, और ये कितनी होगी एक मोल की, तो एक एक मोल ही मिलेगा। कब मोलर आयनिक कंडक्टिविटी है ये, तो M4 मोलर एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इससे एक मोल एसीटेट आयन एक मोल एच आयन आएंगे, तो एक मोल की तो होगी लैम्डा एम, और एक ही मोल है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग CH3CO नेगेटिव, और एच पॉजिटिव आयन ये हो गया, इससे एक मोल कैल्शियम आयन दो मोल क्लोराइड आयन आएंगे, तो कैल्शियम आयन कितने हैं दो एक मोल, तो ये क्या हो गया एक मोल की मोलर मल्टीप्लाइड बाय 1, तो एक मोल कैल्शियम आयन। अगर मैं लिखूं लैम्डा ए मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन
ये तो एक मोल क्लोराइड आयन की है, पर इसका हिसाब किताब करना है तो ये तो कॉन्स्टिट्यूएंट आयन दो मोल आयन है, इससे सॉल्यूशन में दो मोल तो मल्टीप्लाइड बाई टू, क्योंकि ये तो एक मोल की है। तीन मोल कैल्शियम आयन आएंगे, दो मोल फॉस्फेट आयन आएंगे, तो तीन मोल कैल्शियम आयन आएंगे और दो मोल फॉस्फेट आयन आयन आ जाएंगे। इसका क्या हो जाएगा, एक मोल एच आयन आएगा, एक मोल ओ एच आयन आएगा। इस तरह आप लिख सकते हो, एक मोल एच आयन की, एक मोल ओ एच आयन की, मोलर आयनिक कंडक्टिविटी कब, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो कोलेरोज लॉ यही बोलता है, कोलेरोज लॉ स्टेट्स कि मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू सम ऑफ मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट आयन, ऑल में तीन मोल दो मोल जितने भी आयन हो, एक मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट देगा। ये एक मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, ये एक मोल ऑफ आयन के लिए, लेकिन एक मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से जितने भी ऑल आयंस सबका हिसाब किताब करना है तो थ्री और टू, थ्री मोल कैल्शियम दो मोल फॉस्फेट तो थ्री और टू से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस की हम लोग बात करते हैं। वैसे यही ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज वेरी वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कोई भी हो, सबके लिए कोलेरोज लॉ लगाया जा सकता है, यानी कि इसको आप इंडिविजुअल आयन की कंडक्टिविटी की फॉर्म में, इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे बिंदास लिख सकते हैं। ये जो लिख रखा है यही स्टेटमेंट है कोलेरोज लॉ का। डन, ओके। मैं एक कोलेरोज लॉ से आप बताना कि मैंने कुछ लिखा है वो सही है या गलत है। अगर मैं बोलूं लेमडा एम ऑफ NaCl माइनस लेमडा एम ऑफ NaNO3, और यहां पर मैं लिख रहा हूं लेमडा एम ऑफ KCl, और यहां पर लिख रहा हूं लेमडा एम ऑफ KNO3, इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर, जीरो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, क्या मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों बराबर हैं? क्या मैं बोल सकता हूं LHS और RHS बराबर हैं या नहीं है? कोलेरोज लॉ इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, कोलेरोज लॉ से हम लोग लगा सकते हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, कोलेरोज लॉ से लेमडा एम ऑफ Na पॉजिटिव आयन, लेमडा एम ऑफ Cl नेगेटिव आयन, और 1-1 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो ऐसे हो गया माइनस, इसको कैसे लिख सकते हैं, लेमडा एम ऑफ Na पॉजिटिव आयन प्लस लेमडा एम ऑफ नाइट्रेट आयन, LHS तो ये हो गया, ये तो ये क्या हो जाएगा, लेमडा एम Na पॉजिटिव आयन, वन लिखने की जरूरत है नहीं, लेमडा एम Na पॉजिटिव आयन, तो ये LHS क्या आ गया फाइनली, लेमडा एम मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव आयन प्लस माइनस माइनस मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ नाइट्रेट आयन, ये आ गया आपका LHS में, ये आ गया आपका LHS में, ये समझो ये आ गया आपका LHS में। क्या RHS वही आ जाएगा, तो हम बोलेंगे बल्ले बल्ले बहुत अच्छी बात है, ये समझो तो LHS तो ये आ गया आपका। अब RHS की बात करते हैं, तो RHS को मैं LHS को फाइनली ये आ गया, RHS को देखते हैं यही कर लेते हैं, लेमडा एम HCl इसको रब कर लेते हैं टू अवेल स्पेस, इसको कैसे लिखेंगे, यहां पे K पॉजिटिव एक मोल मिलेगा और Cl नेगेटिव ये हो गया, और यहां पे K पॉजिटिव और नाइट्रेट आयन, के पॉजिटिव से चला गया, दोबारा वही आ गया, हेंस कोलेरोज लॉ मतलब सारे आयंस की कंडक्टिविटी का समेशन इज इक्वल टू इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, तो LHS RHS दोनों इसके बराबर आ गए कोलेरोज लॉ को यूज करते हुए, हेंस व्हाटएवर आई हैव रिटन वाज परफेक्ट। तो कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस की मोलर आयनिक कंडक्टिविटी, उनकी आयनिक कंडक्टिविटी की फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी लिख सकते हैं, पर सारे आयन का हिसाब किताब आपको करना पड़ेगा, सारे आयन का हिसाब किताब आपको करना पड़ेगा।
अभी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं, राइट नाउ आई एम डिस्कसिंग एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रोस लॉ, और ये लास्ट टॉपिक है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको पूछा जाता है आईआईटी नीट में, एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रोस लॉ, इसके ऊपर न्यूमेरिकल बनेंगे. दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट बट इजी. एप्लीकेशंस ऑफ क्वाड्रोस लॉ. सबसे पहला एप्लीकेशन, लैम्डा इनफिनिटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एक्सट्रापोलेशन ऑफ ग्राफ से नहीं निकाल सकते थे लेकिन क्वाड्रोस लॉ से निकाल सकते हैं. तो फर्स्ट इज डिटरमिनेशन ऑफ लैम्डा एम इनफिनिटी और लैम्डा इक्यू इनफिनिटी मोलर एनी मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिटिक एसिड अमोनियम हाइड्रोक्साइड वाटर जिनके वीक इलेक्ट्रोलाइट है सबके लिए लैम्डा एम आप निकाल सकते हो. ठीक है, डिटरमिनेशन ऑफ सेकंड, एक एक के बाद एक एक देखेंगे हम लोग. डिटरमिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड वीक बेस वीक इलेक्ट्रोलाइट. थर्ड इज Determination of dissociation constant of weak electrolyte. Weak acid के लिए Ka बोल देंगे और weak base के लिए Kb बोल देंगे. Dissociation constant we have studied in ionic equilibrium. Dissociation constant of weak acid Ka, acidity constant भी बोल देते हैं. Dissociation constant of weak base Kb, basicity constant भी बोल देते हैं उसको. अगर lambda में infinity weak electrolyte का आ गया तो alpha आ जाएगा, alpha आ गया तो dissociation constant आ जाएगा. इससे ये आएगा, इससे ये आएगा, तीनों interdependent हैं. Fourth, determination of let us make some space. Determination of solubility and solubility product आपका हम denote करते हैं ionic equilibrium में Ksp, और solubility मतलब molar solubility को हम of sparingly soluble salt. Next application and last application is determination of Kw of water. Ionic product of water हम लोग determine कर सकते हैं. ये सब different application है. We will see one after another. तो सबसे पहली application से दोस्तों हम लोग start करते हैं. And slowly, gradually, we will move to first से आ जाएगी तो second application अपने आप आ जाएगी, second आ गई third अपने आप आ जाएगी, fourth and fifth are bit different, but very easy to understand. In fact, discussion मेरा सुनना, question तो वैसे भी हो जाएंगे. If you don't understand it and just use the facts I will say here. Determination of lambda m infinity of weak electrolyte by extrapolation of graph से ये नहीं निकला था पर क्वाड्रोस लॉ से हम लोग निकाल सकते हैं. देखो, लैम्डा एम इनफिनिटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट CH3COH, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है. लैम्डा एम इनफिनिटी ऑफ
वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक बेस, ये वीक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये वीक बेस वीक इलेक्ट्रोलाइट है, लैम्डा ऑफ इन्फिनिटी ऑफ वेरी वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट वाटर इटसेल्फ। अब देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा ऑफ इन्फिनिटी तो एक्सट्रापोलेशन ऑफ ग्राफ से निकल जाता है, इस वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा ऑफ इन्फिनिटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की टर्म में लिख दें तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हमें पता है एक्सट्रापोलेशन ऑफ ग्राफ से, तो ये भी आ जाएगा दिस इज इक्वल टू समथिंग समथिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लैम्डा ऑफ इन्फिनिटी, तो RHS आ गया तो ये भी आ जाएगा इनडायरेक्टली, पर कोलरोस फ्लो से हम बता सकते हैं कि ये उसके बराबर है। तो देखो इधर बहुत ही इजी है, इट इज वेरी इजी, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एसिटेट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है सोल्ट है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग है, माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसको कोलरोस से लिखेंगे तो लैम्डा एम ऑफ एसिटेट आयन प्लस लैम्डा एम ऑफ Na पॉजिटिव आयन, इसको लिखेंगे तो लैम्डा एम ऑफ एच आयन प्लस लैम्डा एम ऑफ Cl नेगेटिव आयन, यहां से एच आयन और यहां से एसिटेट आयन क्या हो जाएगा लैम्डा एम ऑफ एसिटेट आयन एंड लैम्डा एम ऑफ एच आयन हो गया, पर यहां पे Na पॉजिटिव आ गया एक्स्ट्रा में और Cl नेगेटिव, तो एक Na पॉजिटिव एक Cl नेगेटिव के लिए मैंने लैम्डा एम ऑफ NaCl माइनस कर दिया। यहां पर भी मैं लिख सकता हूं कि लैम्डा एम ऑफ NH4Cl माइनस प्लस लैम्डा एम ऑफ KOH माइनस लैम्डा एम ऑफ KCl, यहां पे हम लिख सकते हैं लैम्डा एम ऑफ HCl प्लस लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ NaOH माइनस लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ NaCl। यहां पर सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है RHS साइड, तो इनकी वैल्यू तो एक्सट्रापोलेशन ऑफ ग्राफ से निकल जाती है, ठीक है बिंदास निकल जाती है, तो इनकी वैल्यू निकल गई तो ये इसके बराबर है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इनकी भी निकल गई, RHS निकल गया तो ये भी निकल जाए क्योंकि वो वैल्यू इसके बराबर है। अब ये दोनों LHS RHS एक ही चीज को बताते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, ये कोलरोस लॉ बताएगा आपको, इसको क्या लिखेंगे, ये वैल्यू दे देंगे, ये दे देंगे, ये दे देंगे तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का जाएगा, ये दे देंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, ये दे देंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का जाएगा, ये और ये दे देंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का जाएगा, गॉट इट, वीक इलेक्ट्रोलाइट का जाएगा आपका। तो यहां पर अगर हम बात करें दोस्तों, इसको क्या लिखेंगे, एक एसिटेट आयन, आई एम नॉट ब्रेकिंग इट, इट इज वेरी सिंपल यू कैन अंडरस्टैंड, तो ये क्या हो जाएगा लैम्डा एम ऑफ एसिटेट आयन प्लस लैम्डा एम ऑफ एच आयन, यहां पे क्या लिख देंगे LHS में लैम्डा एम ऑफ एसिटेट आयन प्लस लैम्डा एम ऑफ एच आयन, यहां पे लिखेंगे लैम्डा एम ऑफ एसिटेट आयन प्लस लैम्डा एम ऑफ Na पॉजिटिव, एसिटेट आयन इधर भी आ गया इधर भी आ गया, अब एच आयन और लेके आना है तो यहां पे क्या जाएगा लैम्डा एम ऑफ एच आयन प्लस लैम्डा एम ऑफ Cl नेगेटिव आयन, यहां पे Na पॉजिटिव एक्स्ट्रा आ गया यहां Cl नेगेटिव, तो क्या करेंगे दिस इज इक्वल टू लैम्डा एम ऑफ Na पॉजिटिव लैम्डा एम ऑफ Cl नेगेटिव, वो माइनस कर दिया तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव LHS इज इक्वल टू RHS आ जाएगा। एक मैं लिखकर बता देता हूं बाकी आप खुद लिख लेना, इस पे कोलरोस लॉ लगाओ लैम्डा एम ऑफ CH3CO नेगेटिव आयन प्लस लैम्डा एम ऑफ H पॉजिटिव आयन, इसको ऐसे लिख सकते हो LHS को बिंदास कोलरोस लॉ से, यस इसको कैसे लिख सकते हो कोलरोस लॉ से लैम्डा एम ऑफ एसिटेट आयन प्लस लैम्डा एम ऑफ Na पॉजिटिव आयन, वेरी सिंपल, इसको कैसे लिख सकते हो, ये तो हो गया ये वैल्यू लैम्डा एम ऑफ HCl को हम लिख सकते हैं लैम्डा एम ऑफ एच आयन लैम्डा एम ऑफ Cl नेगेटिव आयन, एक एक मोल है तो आगे कुछ मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, माइनस ये क्या हो जाएगा लैम्डा एम ऑफ Na पॉजिटिव आयन
प्लस लेमडा एम ऑफ सी एल नेगेटिव आयन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे है सब। बताओ यहां पे एसीटेट आयन, यहां पर भी एसीटेट आयन, यहां पे एच आयन तो यहां पे भी एच आयन, यहां पे एनए पॉजिटिव प्लस है और यहां पे माइनस के साथ एनए पॉजिटिव है, ये खेलने चले जाएंगे। यहां पे सीएल नेगेटिव प्लस के साथ है और या माइनस साइन के अंदर है सीएल नेगेटिव, ये भी इसके साथ खेलने चला जाएगा। क्या बचा सिर्फ लेमडा एम ऑफ एच आयन, लेमडा एम ऑफ एसीटेट आयन, और यहां पर भी वही है एंड एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस यूजिंग कोलरोज लॉ। तो ये कोलरोज लॉ से ही ये इक्वल टू इधर उधर आया, पर इनके बराबर लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है इनकी तो एक्सट्रापोलेशन ऑफ ग्राफ से आ जाएगा। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का लेमडा एम आ गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की टर्म में। यस और नो, कैन वी राइट लाइक दिस? यस, वेरी इजी। लेमडा एम ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिटर्न इन टर्म्स ऑफ लेमडा एम इन्फिनिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वेरी वेरी इजिली। सेम वे एक अमोनियम आयन एक हाइड्रोक्साइड आयन, अमोनियम आयन यहां से आ जाएगा, हाइड्रोक्साइड KOH से आ जाएगा, लेकिन एक सीएल नेगेटिव और एक पॉजिटिव एक्स्ट्रा आ गया, तो एक के पॉजिटिव एक सीएल नेगेटिव माइनस कर दिया वहां से, तो बराबर आ गया। यहां से एक एच आयन और एक OH आयन आ गया, यहां से एक एच आयन आ गया, NOH से एक OH आयन, लेकिन यहां एक्स्ट्रा सीएल पॉजिटिव नेगेटिव आ गया और NA पॉजिटिव आ गया, तो सीएल नेगेटिव NA पॉजिटिव को माइनस करने के लिए लेमडा एम ऑफ NaCl करना पड़ा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यू अंडरस्टूड? अगर NH4OH, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, मान लीजिए अमोनियम सल्फेट का दे रखा है, क्या दे रखा है, अमोनियम सल्फेट का दे रखा है। अब NH4OH का निकालना है, अमोनियम सल्फेट का क्वेश्चन में दे रखा है और NaOH का क्वेश्चन में दे रखा है और Na2SO4 का क्वेश्चन में दे रखा है। तो मुझे एक अमोनियम आयन और एक OH आयन चाहिए। यहां पर क्या आ गया, दो अमोनियम आयन आ गए इधर, NH4 twice अमोनियम सल्फेट के फॉर्मूला में। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, एक अमोनियम आयन चाहिए तो हाफ से, क्योंकि एक अमोनियम एक OH आयन चाहिए इधर, तो एक अमोनियम आयन आ गया, हाफ सल्फेट आयन आ गया, एक OH आयन इधर आ गया, तो ये वन ही रखो। यहां पे एक सोडियम आयन है और हाफ सल्फेट आयन है, तो क्या हो जाएगा, सोडियम आयन दो है और एक सल्फेट है, अगर मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो एक सोडियम आयन और हाफ सल्फेट आयन। हेंस इस तरह ये आप बहुत ही आसानी से मैथमेटिकली किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है वो बहुत आसानी से कर सकते हो। दिस इज वेरी वेरी इजी। ये फर्स्ट एप्लीकेशन है कोलरोज लॉ की और ये बहुत ही आसान है, सिंपल मैथमेटिक्स कोई भी बच्चा कर सकता है, इवन द लास्ट स्टूडेंट कैन डू इट ऑफ योर क्लास ऑफ योर बैच कैन डू क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस। उधर वाली वैल्यू दे देंगे न्यूमेरिकल में और इधर वाली पूछ लेंगे। लेमडा एम, लेमडा एम की यूनिट क्या होती है, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, तो चाहे वो लेमडा एम आयन हो या लेमडा एम इलेक्ट्रोलाइट हो, सबकी यूनिट तो यही रहेगी। सेकेंड इज डिटरमिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएटेड और आयोनाइज्ड डिवाइड बाई इनिशियल मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या टोटल मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टेकन। ये होता है अल्फा, ये तो बेसिक डेफिनेशन है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ फ्रैक्शन डिसोसिएटेड। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज, जैसे 10 मोल एसिटिक एसिड के हैं, 10 मोल है, 2 मोल आयोनाइज हो गए किसमें, एसीटेट आयन में और एच पॉजिटिव आयन में, तो इसके 2 और 2 मोल हो गए, तो अल्फा क्या हो गया, टी इज इक्वल टू 0 पे और टी इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे मान लीजिए, तो अल्फा कितना हो गया, कितने डिसोसिएट हुए डिवाइड बाई टोटल कितने लिए थे इनिशियली, है ना, टेकन इनिशियली, यही होता है अल्फा, वी पीपल नो इट। तो क्या हो जाएगा,
मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएटेड। अब ये जो मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हैं, दो मोल, उन्हीं की वजह से तो आयन है ये, और जिनकी वजह से आयन है ये पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे होगा तो उसी इन्हीं दो मोल की वजह से ही मोलर कंडक्टिविटी होगी। अब इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर 10 के 10 मोल आयन में टूट जाते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट भी 100% टूट जाता है, यानी कि जो इनिशियली लेते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर तो सारे टूट जाएंगे आयन्स में, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे 10 मोल की वजह से मोलर कंडक्टिविटी होगी। और अब पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन में जब दो मोल टूटे हैं तो कंडक्टिविटी दो मोल के लिए से, तो ये न्यूमरेटर में क्या है, किसी भी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी दो मोल के ऊपर डिपेंड करेगी, और ये टोटल मोल कितने लिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो सारे 10 के 10 मोल आयनाइज हो जाएंगे। तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, न्यूमरेटर, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा एम एट पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, लेमडा इनफिनिटी में 10 के 10 मोल टूट जाएंगे इनफिनिट डाइल्यूशन पे, और किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे कितने टूटे हैं, दो मोल टूटे हैं, तो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 10। यानी कि ये तो मैं आपको समझाना था कि कैसे आया, बट आपको समझने की जरूरत नहीं है, लेमडा एम डिवाइड बाई लेमडा एम इनफिनिटी डायरेक्टली अल्फा लिख सकते हुए, डिनोमिनेटर कहां से आया ये तो एक्सपेरिमेंटली निकल जाता है, बहुत सारे पॉइंट बनाए थे हमने, ये नहीं निकला था वीक इलेक्ट्रोलाइट का एक्सट्रपोलेशन ऑफ ग्राफ से या एक्सपेरिमेंट से, तो ये कोलरोचो से निकाल लिया, एप्लीकेशन वन, वन यही थी एप्लीकेशन वन, ये एप्लीकेशन टू है कोलरोचो की, तो ये डिनोमिनेटर कोलरोचो से निकला, ये तो हमें पता ही रहता है, उसी से तो ग्राफ बनाया था पूरा हाइपरबोला, ये सब पॉइंट तो हमें पता ही थे, तो वो है किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे जितना ज्यादा डाइल्यूशन करेंगे कॉन्सेंट्रेशन कम करेंगे अल्फा बढ़ेगा, तो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे अलग अलग अल्फा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का। ये क्या है, किसी एक इलेक्ट्रोलाइट के लिए फिक्स वैल्यू है, ये तो मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू है, ये तो फिक्स है इलेक्ट्रोलाइट के लिए, इट चेंज विद कॉन्सेंट्रेशन, जितना डाइल्यूशन करेंगे उतना ही ज्यादा आयन में टूटता चला जाएगा और लेमडा एम बढ़ता चला जाएगा, एंड दिस आल्सो चेंज विद कॉन्सेंट्रेशन। तो ये अगर 0.1 मोलर पे अल्फा इलेक्ट्रोलाइट की, तो ये भी 0.1 मोलर की मोलर कंडक्टिविटी है, ये तो फिक्स वैल्यू है इनफाइनाइट डाइल्यूशन की, लेमडा एम जीरो और लेमडा एम इनफिनिटी जो कोलरोचो से निकली है। ये अगर 0.2 मोलर की है तो ये भी 0.2 मोलर का, जिस कॉन्सेंट्रेशन पे अल्फा निकालना है उसी कॉन्सेंट्रेशन की मोलर कंडक्टिविटी पुट करनी है। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इक्विवेलेंट लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, लिख सकते हो। क्या है, आप लोग जानते हो लेमडा एम और लेमडा इक्यू में रिलेशन जानते हो ना, एन फैक्टर, लेमडा एम और लेमडा इक्यू में रिलेशन जानते हो ना, एन फैक्टर, जब पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन सी होगी तो ये भी सी, जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन तो ये भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दोनों को डिवाइड कर दो, एन फैक्टर से एन फैक्टर गया तो क्या आ गया, लेमडा एम बाई लेमडा एम इन्फिनिटी सेम एज लेमडा इक्यू बाई लेमडा इक्यू इन्फिनिटी, हेंस मोलर कंडक्टिविटी जिस कॉन्सेंट्रेशन की ये है उसी कॉन्सेंट्रेशन की ये होगी और उसी कॉन्सेंट्रेशन का अल्फा होगा। ये जिस कॉन्सेंट्रेशन की है इलेक्ट्रोलाइट का, जो भी कॉन्सेंट्रेशन पे मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, अल्फा भी इलेक्ट्रोलाइट का उसी कॉन्सेंट्रेशन पे होगा, सी कॉन्सेंट्रेशन, सी एंड सी सेम कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर है ये वैल्यू, राइट। ये तो रिलेशन आप जानते हो, तो अल्फा आ गया आपका लेमडा एम, ये न्यूमेरिकल में काम आएगा, ये लेमडा एम आप निकालोगे कैसे, लेमडा एम निकालने का फॉर्मूला देखा था आपने, कापा मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइड बाई एम, कापा की वैल्यू इनडायरेक्टली डायरेक्टली दी होगी, लेमडा एम यहाँ पे पुट करो, लेमडा एम इन्फिनिटी तो कोलरोचो से निकल जाएगा, फर्स्ट एप्लीकेशन जैसे कि वैसे निकालना पड़ेगा न्यूमेरिकल में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का दे देंगे तो ये आ जाएगा और अल्फा आ जाएगा, अल्फा आते ही थर्ड एप्लीकेशन हो जाएगी, अब थर्ड एप्लीकेशन अल्फा आते ही थर्ड एप्लीकेशन हो जाएगी डिटर्मिनेशन ऑफ डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट
यहां पर अगर हम बात करें वीक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए, वीक बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट के बी, के ए के बी की वैल्यू निकाल सकते हैं कोलरोस लॉ का अप्लीकेशन करते हुए। थर्ड एप्लीकेशन है ये, सेकंड एप्लीकेशन पे डिपेंडेंट है। कोई एसिड है वीक एसिड एच ए, सब लोग जानते हैं एच पॉजिटिव आयन एंड ए नेगेटिव आयन, एक्वा सॉल्यूशन में आयनिक इक्विलिब्रियम है इसका, राइट। जब सॉल्यूशन इनिशियली तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन सी जीरो जीरो लेते हैं, इक्विलिब्रियम पे सी वन माइनस अल्फा एंड सी अल्फा एंड सी अल्फा लेते हैं, तो बताओ के ए क्या होगा। ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लो लगाओ तो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पे एच आयन, इक्विलिब्रियम पे ए नेगेटिव आयन डिवाइड बाय इक्विलिब्रियम पे एच ए, तो के ए को क्या लिख सकते हैं सी अल्फा सी अल्फा, ए नेगेटिव सी अल्फा एच आयन, और ये क्या हो जाएगा एच ए इक्विलिब्रियम पे सी वन माइनस अल्फा सी सी ही में कन्वर्ट हो गया। ऐसा कब हुआ भाई, सी ही में कैसे कन्वर्ट हो सकता है, तो के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा, ये फॉर्मूला आपको रटा हुआ है इक्विलिब्रियम पे। जब सिर्फ वीक एसिड और पानी दो चीजें होंगी तो ये फॉर्मूला है यस और नो, के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा, ये तो डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिख सकता था, ये तो जस्ट मैंने आयनिक इक्विलिब्रियम के हिसाब से ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लो लगाकर मैंने इसको लिखा के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। अब अल्फा की वैल्यू सेकंड एप्लीकेशन से मैं जानता हूं, अल्फा की वैल्यू क्या है सेकंड एप्लीकेशन से, अल्फा क्या है सेकंड एप्लीकेशन से, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी डिवाइड बाय कोलरोस से निकली हुई इनफाइनाइट एडिशन पे लिमिटिंग वैल्यू मोलर कंडक्टिविटी की, तो सी ये क्या हो गया लेमडा एम बाई लेमडा एम इन्फिनिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस लेमडा एम बाई लेमडा एम इन्फिनिटी। यहां पे एलसीएम ले लें तो आपकी वैल्यू आ जाएगी सी लेमडा एम का स्क्वायर लेमडा एम इन्फिनिटी लेमडा एम इन्फिनिटी माइनस लेमडा एम, ये आ जाएगा के इज इक्वल टू सी। अब बताओ अगर मैं इसकी वैल्यू निकाल दूं, RHS निकल गया तो LHS KA तो निकल ही गया, अब इसमें लेमडा एम और सी की वैल्यू तो मुझे पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेमडा एम की वैल्यू तो एक्सपेरिमेंटली मेजर की जाती है, लेमडा एम इन्फिनिटी नहीं पता होता वीक इलेक्ट्रोलाइट का वीक एसिड का जिसका KA है, तो ये कोलरोस लॉ से निकला तो ये आ गया कोलरोस लॉ से, लेमडा एम इन्फिनिटी की वैल्यू पुट करते ही तो KA आ गया, फर्स्ट एप्लीकेशन में निकाल चुके हैं, हेंस डन। इसी तरह कोई वीक बेस है BOH, BOH वीक बेस तो B पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, ये हो जाएगी सारी कहानी। KB क्या हो जाएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट, B पॉजिटिव OH नेगेटिव, BOH की इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन सेम B पॉजिटिव OH एंड C अल्फा C अल्फा C1 और C अल्फा, ये आ गया KB इज इक्वल टू दिस, और अल्फा को क्या पुट कर सकता हूं लेमडा एम बाय लेमडा इन्फिनिटी, तो ये रिलेशन आ जाएगा। वीक एसिड के लिए के आ गया, वीक बेस के लिए के भी आ गया, ये सब नो, ये तो हम लोग जानते हैं बड़ी आसानी से। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस वी कैन गेट वेरी इजीली, तो आपका अल्फा निकल गया तो के तो आ ही जाएगा सी अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा, हम पुट करते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में इसी को हम लेमडा एम मोलर कंडक्टिविटी का स्क्वायर डिवाइड बाय लेमडा एम इन्फिनिटी माइनस लेमडा एम इन्फिनिटी माइनस लेमडा एम इस तरह दे देंगे वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे दे देंगे 1 बाय सी, और ग्राफ आपको पूछेंगे और ग्राफ में जो स्लोप है उसका यूज करवाएंगे, ठीक है। तो देखो इसी इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 बाई सी कर दूं तो ये आ जाएगा, ये मेरा वाई एक्सिस पे दिस इज वाई दिस इज वाई, एक्स एक्सिस पे मेरा क्या है 1 बाई सी, तो ये हो गया वाई इज इक्वल टू
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वाई इज इक्वल टू एम एक्स, ये एक्स वन बाई सी है, स्लोप क्या आ गया के ए की वैल्यू आ गई और वाई क्या हो गया ये हो गया। तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। व्हाट इज टेन थीटा, थीटा की वैल्यू आपको न्यूमेरिकल में दे देंगे तो आपकी के ए की वैल्यू आ जाएगी वीक एसिड के लिए, और वीक बेस के लिए टेन थीटा के भी आ जाएगा। तो आपको न्यूमेरिकल में इस तरह का ग्राफ दे देंगे वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे, ये तो आपको थीटा की वैल्यू दे देंगे, थीटा की वैल्यू कुछ भी देंगे तो के ए आ जाएगा आपका, ये सब। अगर वाई एक्सिस पे मैं ये कर देता हूं सिर्फ इतना, तो क्या करना पड़ेगा, लैम्डा इनफिनिटी मुझे हटाना पड़ेगा यहां से, तो उधर ले जाऊंगा मैं, लैम्डा इनफिनिटी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट के लिए कांस्टेंट है। तो इस बार स्लोप क्या हो गया, के ए मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा इनफिनिटी। तो जैसे थीटा की वैल्यू न्यूमेरिकल में दे देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा इनफिनिटी दे देंगे तो के ए आ जाएगा। हेंस थर्ड एप्लीकेशन थी क्या, के ए और के बी निकालना ही थर्ड एप्लीकेशन थी, आ गया स्लोप से के ए। ग्राफिकली आप निकाल सकते हो वेरी इजीली। तो फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट एप्लीकेशन से सेकंड आ जाएगा, लैम्डा इनफिनिटी आया फर्स्ट एप्लीकेशन से वीक इलेक्ट्रोलाइट का, तो अल्फा आ गया, अल्फा क्या होता है लैम्डा एम बाई लैम्डा इनफिनिटी, डिनोमिनेटर में लैम्डा इनफिनिटी फर्स्ट एप्लीकेशन निकाले पुट कर देंगे, और लैम्डा अल्फा आ गया लैम्डा एम बाई लैम्डा इनफिनिटी से, तो के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा वीक एसिड के लिए, और के बी सी अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा वहां पर पुट कर देंगे, आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा। फोर्थ एप्लीकेशन इज, फोर्थ एंड फिफ्थ लास्ट टू एप्लीकेशन फॉर न्यूमेरिकल्स, उसके बाद न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे हम लोग बस, दैट्स ऑल। तो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस ऑन कंप्लीट इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यहां पर अगर हम बात करें बच्चों डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट। एस क्या होता है, जो स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट जैसे AgCl, उसके कितने मोल सोल्यूट की फॉर्म में घुले एट सेचुरेशन और एट इक्विलिब्रियम। एस क्या होता है, मोलर सोल्युबिलिटी, मोल्स ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट डिसॉल्व पर लीटर, मोल पर लीटर मोलरिटी वाली यूनिट है मोलर सोल्युबिलिटी की, मोल्स ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन और सैचुरेशन और इक्विलिब्रियम पे कितने मोल स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट यानी कि पत्थर के पानी में एक्वस सॉल्यूशन में घुले वही है, और जो भी घुले उसको 100% आयनाइज मानते हैं हम, क्योंकि स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट इज कंसीडर्ड टू बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब एक चीज हम लोग लेकर चलेंगे, इसका हम वाई इट इज ले सकते हैं बिंदास, थोड़ा सा डिफर करेगा पर इसको बिंदास दे सकते हैं। लैम्डा एम की वैल्यू लैम्डा एम इन्फिनिटी लेकर चलेंगे फॉर स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट एंड फोर वाटर, स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट और वाटर दोनों के लिए लैम्डा एम की वैल्यू लैम्डा एम इनफिनिटी के बराबर लेकर चलेंगे हम लोग। ऐसा क्यों, बिकॉज इट्स कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी लो, पत्थर बहुत कम घुलता है, बहुत स्पेरिंगली सोल्यूबल उसका नाम ही है ना के बराबर घुला, कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी लो एंड 100% आयनाइज हो जाता है, बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन है तो लैम्डा इनफिनिटी को लैम्डा एम हम ले सकते हैं। दूसरे तरीके से भी आप इसको समझ सकते हो, स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट के आप स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट और पानी है, एक देखना स्टार्टिंग अगर टेस्फोमाइनस AgCl का पत्थर खूब सारा पड़ा है, AgCl का पत्थर पड़ा है कुछ पानी में यानी कि उसका सोल्यूशन है सेचुरेशन है, मान लीजिए उसकी सोल्युबिलिटी 5 मोल पर लीटर है, ठीक है,
उसकी मोलरिटी सोल्यूट वाले की जो घुल गया उस पार्ट की 3.5 मोल पर लीटर एस की वैल्यू है। अब आपने और पानी डाला, डाइल्यूशन किया, इनफाइनाइट डाइल्यूशन तक ले जाएंगे, और पानी डाला तो अभी भी क्या होगा, सोल्युबिलिटी 3.5 मोल पर लीटर ही होगी। और पानी डालेंगे तो भी कब है, जब सिर्फ पत्थर और पानी दो चीज है, जैसे AgCl क्या होगा, AgIn एंड Cl नेगेटिव आयन, एक्वस ये सॉलिड है तो इक्विलिब्रियम पे क्या रहेगा, इसके S मोल पर लीटर घुलेंगे तो ये क्या रहेगा इक्विलिब्रियम पे, S और S, तो KSV क्या आ गया इसका, S स्क्वायर। KSV बेसिकली क्या है, आयनिक प्रोडक्ट, सबसे पहले तो ऐसे लिखा करो, आप AgIn और Cl नेगेटिव आयन को S और S लिख सकते हैं, तो S मल्टीप्लाइड बाई S यानी कि S स्क्वायर। KSV तो स्पेरिंगली सोल्युबल सॉल्ट का सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, स्यूडो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये तो ब्रह्मा जी का वरदान है, जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं करोगे, जब तक ये इक्वेशन रहेगी, KSV की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, कितना भी डाइल्यूशन कर लो, तो ये तो डाइल्यूशन करने पर चेंज होगा नहीं, जब तक पत्थर और पानी बस दो ही चीज है, कॉमन आयन वगैरह आ गया तो सिचुएशन चेंज हो जाएगी, ये चेंज नहीं होगा तो एस भला क्यों चेंज होगा, एस चेंज नहीं होगा तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर लेंगे तो भी उतने ही आयन है एस और एस मोल, और कॉन्सेंट्रेटेड तो भी वही है, तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन और इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन में आयन उतने ही है तो उसकी कंडक्टिंग पावर उतनी होगी, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की बात कर लो तो भी उतनी ही है कंडक्टिंग पावर, मोलर कंडक्टिविटी, और डाइल्यूशन की बात भी उतनी ही, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम एस मोल पर लीटर, एस मोल पर लीटर उतने ही आयन है, तो कंडक्टिंग पावर भला कैसे चेंज हो सकती है, तो लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम इनफिनिटी फॉर स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। इस तरह आप लॉजिकली समझ सकते हो या डायरेक्टली वो ध्यान रखोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, दैट्स ऑल। मैं अगर आपको समझाता नहीं कैसे हुआ है तो भी आपका काम हो जाता, क्वेश्चन तो आपके तब भी हो जाते। तो देखो इधर आप क्या जानते हो, लेमडा एम इज इक्वल टू कापा 1000 डिवाइड बाई मोलरिटी, ये है, ये मोलरिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यहां पे मोलरिटी की जगह पर क्या आ जाएगी, सोल्युबिलिटी आ जाएगी स्पेरिंगली सोल्युबल सोल्ट की, सोल्युबिलिटी आ जाएगी, ये सोल्युबिलिटी किसकी है, स्पेरिंगली सोल्युबल सोल्ट, तो ये कापा किसकी होगी, स्पेरिंगली सोल्युबल सोल्ट के जो घुला हुआ है उसके आयंस की कापा है, और ये भी किसकी है, लेमडाइम, और लेमडाइम को तो क्या लिख सकता हूं मैं, लेमडाइम इन्फिनिटी, लेमडाइम इन्फिनिटी कोलरोच लॉ से आ जाता है, तो एप्लीकेशन ऑफ ये आ गया, ये दे दिया गया तो एस निकल जाएगा, कापा दिया हुआ होगा आपको क्वेश्चन में। अब ये कापा किसका है, ये कापा AgCl का है, ये एस भी AgCl का, ये कापा भी AgCl का, जैसे आप लोग जानते हैं जी या फिर सी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू जी ऑफ ऑल सॉल्यूट्स प्लस जी ऑफ सॉल्वेंट, एडिटिव इन नेचर है और कापा भी एडिटिव इन नेचर है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कापा ऑफ सॉल्यूशन को क्या लिख सकते हैं, कंडक्टिविटी ऑफ ऑल सॉल्यूट्स का समीशन एडिटिव इन नेचर एंड कापा ऑफ वाटर सॉल्वेंट वाटर है, ये हो गया कंडक्टेंस, ये हो गया स्पेसिफिक कंडक्टेंस कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी बोथ आर एडिटिव इन नेचर, एड कर सकते हैं, दो या दो जरा सोल्यूट है तो ये हो जाएगा। तो मान लीजिए AgCl एंड वाटर है का सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है ना, तो कापा ऑफ ये लगाते हैं, कापा ऑफ AgCl सॉल्यूशन इस कापा ऑफ सॉल्यूट AgCl जो घुला हुआ है, वो पत्थर पड़ा है, AgCl पत्थर भी पड़ा होगा, इनसॉल्युबल सॉलिड और एक्वस सॉल्यूशन जो है उन्हीं के साथ डाइल्यूट इक्विलिब्रियम है, पर जो घुला होता है वो होता है स्मॉल पर लीटर, पत्थर पड़ा है उससे कोई मतलब नहीं है, वो थोड़ी कंडक्टिंग पावर देगा, घुला होगा AgCl जो सॉल्यूट की फॉर्म में आया होगा वही आयन देगा, उसी से कंडक्टिंग पावर होगी,
तो जो गुना है वही आएगा इधर, प्लस कापा ऑफ वाटर। तो कापा ऑफ AgCl क्या लिख सकते हैं हम स्पेरिंगली सोल्युबल सोल्ट, कापा ऑफ AgCl सॉल्यूशन माइनस कापा ऑफ सॉल्वेंट, ये जो वैल्यू है ये पुट करनी है इधर। अगर ये सोलिबिलिटी ऑफ AgCl है तो कापा ऑफ AgCl पुट करनी है, कापा सॉल्यूशन टोटल पुट नहीं करनी। हालांकि कापा ऑफ वाटर नेग्लिजिबल होता है, वो बात अलग है, नहीं दिया हुआ हो तो इग्नोर करके चलेंगे, लेकिन दिया हुआ हो तो हम कापा ऑफ AgCl यहां पर वो पुट करेंगे और लैम्डा एम भी AgIn प्लस Cl नेगेटिव आयन की लैम्डा एम कर देंगे तो AgCl आ जाएगा कोलरोस लॉ से ही। ये सब नो, और एक बार S आ गया यहां से S आ गया तो प्योर वाटर में KSP इज इक्वल टू IP स्क्वायर में S पुट कर देंगे तो KSP भी आ गया, तो S आ गया एंड KSP आ गया, यही तो है डिटरमिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। बस इसका ध्यान रखना, टेक केयर ऑफ इट, लैम्डा इन्फिनिटी कोलरोस लॉ से निकल जाएगा, हेंस हम लोग यूज कर सकते हैं बिंदास। एंड लास्ट एप्लीकेशन इज फॉर न्यूमेरिकल्स डिटरमिनेशन ऑफ आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, डिटरमिनेशन ऑफ आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। वाटर के लिए भी हम क्या ले सकते हैं, लेमडा एम इंफिनिटी इज इक्वल टू लेमडा एम, तो जहां लेमडा एम पुट करते हैं वही लेमडा एम इंफिनिटी पुट कर देंगे कोलरोस लॉ से, लेमडा एम इंफिनिटी एच आई एन प्लस ओ एच आई एन के समेशन से आ जाएगा वो तो वाटर का, कोलरोस लॉ लगा लो तो लेमडा एम, अब बताओ एच टू ओ है। फिफ्थ एप्लीकेशन क्या हो जाएगा इधर, लेट अस राइट हियर, देखो इधर H2O है वो HIN aqueous and OHIN aqueous में रहेगा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है पानी की, प्योर वाटर की 55.5 मोलर, सब लोगों को पता है, सबको याद है प्योर वाटर की मोलरिटी T इज इक्वल टू दिस। जब इलेक्ट्रोलाइट इक्विलिब्रियम पे तो ये क्या हो जाएगा C1 माइनस अल्फा, That is C alpha and C alpha. Pure water में तो HIN OHIN बराबर है, pH pOH बराबर है, तो दोनों बराबर है। बताओ इसके C minus C alpha लिख सकते हैं, तो कितने मोल इसके dissociate हुए जिसने आयन दिए, वो C alpha है, इसका एक मोल टूटेगा तो एक मोल HIN एक मोल OHIN, तो इसके C alpha मोल, इसके C alpha मोल, तो इसके C alpha मोल आयन में टूटे होंगे, टोटल 55.5 यानी कि C मोल पर लीटर है, C alpha मोल पर लीटर आयंस में टूट गए। अब जो आयंस में टूटे उनकी वजह से इसकी मोलर कंडक्टिविटी है वाटर की, या फिर टोटल 55.5 मोल एक लीटर में, सब की वजह, सब मोल की वजह से है, नहीं, जो सी अल्फा टूटे हैं उन, जो आयन दिए हैं उन आयंस की वजह से ही है, यस और नो, वो ही आयंस की वजह से ही मोलर कंडक्टिविटी है। तो मोलर कंडक्टिविटी को कापा मल्टीप्लाइड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई एम, इसको मैं X बोल देता हूं, लेट अस से दिस इज X, दिस इज X, तो इसको हम C माइनस X भी बोल सकते हैं, ये तो अप्रोक्सीमेटली आपका C हो जाता है, आप लोग जानते हैं, यू पीपल नो इट। KW क्या होता है सब लोग जानते हैं, HIN मल्टीप्लाइड बाई OHIN, ये अर्थम वैलिड है, लेकिन प्योर वाटर रहते दोनों बराबर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे x मल्टीप्लाइड बाई x, x स्क्वायर, यहां पे क्या रहेगा, कौन से मोल आएंगे, मोल पर लीटर आएंगे, टोटल मोल पर लीटर पानी के कितने, H2O के कितने, या जो आयन दे दिया वो, आयन दे दिया वही, उन्हीं की वजह से कंडक्टिविटी होगी मोलर कंडक्टिविटी, तो यहां पे क्या आएगा x, यहां पे क्या आएगा x आएगा, ये कापा क्या होगा, जो पानी के HIN OHIN है उसी का ही कापा होगा, इन x x मोल पर लीटर वाले जो आयन HIN OHIN उन्हीं का ही कापा होगा ये, लाइक दिस। और लैम्डा एम को क्या लिख सकता हूं मैं, लैम्डा एम इज नथिंग बट लैम्डा एम इंफिनिटी ओनली, ये तो इसी के बराबर ही है, और इसको क्या लिख सकते हैं, लैम्डा एम कोलरोस लॉ से HIN
प्लस लेमडा एम ओ एच आएंगे कोलरोज लो से आ जाएगा, तो दिस इज सेम एज लेमडा एम को लेमडा इन्फिनिटी लिख सकते हो आप, फॉर वाटर लेमडा एम को लेमडा इन्फिनिटी कोलरोज लो से आ जाएगा, इधर ये दोनों दिए हुए होंगे तो एक्स आ जाएगा, एक्स आ गया तो यहां पर पुट कर दो के डब्ल्यू आ जाएगा, ये सब नो, और ध्यान होगा आपको के डब्ल्यू इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाई एस टू एंड के ऑटो मल्टीप्लाइड बाई एस टू की पावर टू। आयनिक इक्विलिब्रियम का अगर आपको ये रिलेशन ध्यान हो, इसको क्या बोलते हैं, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इसको क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, इसको क्या बोलते हैं, ऑटो प्रोटोनेशन या ऑटो प्रोटोलिसिस कांस्टेंट ऑफ वाटर और ऑटो प्रोटोनेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। H2O की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, दैट इज 55.55 मोलर, ये तो सबको ही याद है, ये 1000/80 नहीं होती है, मोलर आपको पता है, तो ये तो हमें पता है 55.5। एक बार केडब्ल्यू आ गया यहां से आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर भी निकाल सकते हैं एंड ऑटो प्रोटोनेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर भी निकाल सकते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर आ गया, तो फ्रॉम दिस रिलेशन दीज आर डिफरेंट कॉन्स्टेंट फॉर वाटर। इसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, वी विल डू न्यूमेरिकल इन नेक्स्ट लेक्चर। दोस्तों कंडक्शन वाला पार्ट हमारा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक हिस्सा है, वो ऑलमोस्ट हमारा हो गया। इसमें क्या बचा है मैं आपको बता देता हूं, एक आयोनिक मोबिलिटी और आयोनिक स्पीड में क्या रिलेशन होता है, आयोनिक मोबिलिटी को मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं, व्हाट एक्चुअली इट्स डेफिनेशन इज। अभी तो बोले जितने फ्रीली मूव करेंगे, जितने इंट्रायनिक इंट्रैक्शन उतने ही कम होगा, इंट्रायनिक इंट्रैक्शन कम होंगे डाइल्यूशन होगा तो आयनिक मोबिलिटी बढ़ेगी अभी हम, पर आयनिक मोबिलिटी का एक्चुअल मतलब क्या है, क्या उसकी यूनिट होती है, एक तो हमें आयनिक मोबिलिटी के बारे में डिस्कस करना है, दूसरा इन्फाइनाइट डाइल्यूशन पे आयनिक मोबिलिटी है तो उसका रिलेशन मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ आयन से किस तरह होता है, उसका रिलेशन मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ आयन से कैसे होता है, आयनिक मोबिलिटी का रिलेशन विद मोलर कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ आयन्स, ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है, छोटी छोटी टर्म है, ये जनरली नीट और एम्स में नहीं पूछी जाती है, जनरली सिलेबस में नहीं है, पर ये छुटमुट है, थोड़ा सा वी विल कवर दैट। एक होता है लास्ट में इलेक्ट्रोलिटिक, दिस इज कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, वो टाइट्रेशन जिसमें एंड पॉइंट और इक्विवेलेंट पॉइंट हम लोग डिसाइड करते हैं कंडक्टेंस मेजर करते हुए, जहां पर कंडक्टेंस अब्रप्टली चेंज हो जाए, एकदम घट रही थी बहुत तेजी से घट रही थी बढ़ने लग गई, तो जहां पर सडन चेंज होगा वो हमारा एंड पॉइंट और इक्विवेलेंट पॉइंट होता है, वो हमारा एंड पॉइंट और इक्विवेलेंट। तो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन बचा है, आयनिक मोबिलिटी बचा है आपका ना, आयनिक मोबिलिटी का रिलेशन विद ट्रांसपोर्ट नंबर भी हमारा बचा है, all that small things are there, conductometric titration में थोड़ा time लगेगा, बस conceptually everything is covered in till this chapter, conceptually concept wise हम cover कर चुके हैं, एक lecture और लेंगे numerical application, फिर वो very binary की चीजें, जो conductometric titration है वो IIT में last 7-8 years में 3-4 times पूछा है, 2009 से पूछने लगे थे कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, बार बार पूछते हैं वो लोग, तो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन वी विल डू एंड वी विल डू इन डिटेल इन फैक्ट, बट चैप्टर का कॉन्सेप्चुअल पार्ट ओवर हो गया है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन इज ओवर एक्सेप्ट डूइंग द न्यूमेरिकल, प्रैक्टिकली ये समझ सकते हो आप, ठीक है, ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।